जी अस्सलाम वालेकुम जी ऑडियंस सब लोग। लास्ट टाइम हमने कहाँ तक कर लिया था? जी लास्ट टाइम हमने कहाँ तक किया था? आवाज नहीं आ रही है। जी लास्ट टाइम हमने कहाँ तक किया था? आप लोगों का फेमिनिज्म भी हो गया था ना? जी चलिए जी, हमारी फोर्थ ग्रेड डिबेट की अगली थ्योरी है, फोर्थ ग्रेड डिबेट की अगली थ्योरी है पोस्ट मॉडर्निज्म। काइंडली रेफरेंस नोट कर लीजिए, पार्ट वन चैप्टर टू पेज 88 to 92। ठीक है, पार्ट वन चैप्टर टू पेज 88 to 92। अब आवाज ठीक है? जी रेफरेंस नोट कर लें, पोस्ट मॉडर्निज्म का पार्ट वन चैप्टर टू पेज 88 to 92। ठीक है, अच्छा जी। अब पोस्ट मॉडर्निज्म बुनियादी तौर पे लिटरेचर की थ्योरी है। जैसे हमने बात किया था कि फेमिनिज्म बुनियादी तौर पे जेंडर स्टडी की थ्योरी है, और उस थ्योरी को यूज किया गया है आईआर के अंदर, यानी फेमिनिज्म के एस्पेक्ट से इंटरनेशनल रिलेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए हमने फेमिनिज्म की थ्योरी को अडॉप्ट किया। ठीक है, ऐसे ही पोस्ट मॉडर्निज्म जो फोर्थ ग्रेड डिबेट की थ्योरी है, ये भी एक लिटरेचर की थ्योरी है, ये आईआर की थ्योरी नहीं है। और लिटरेचर की उस थ्योरी को इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस के एक मेजर एस्पेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, अब बुनियादी तौर पे ये जुड़ी हुई है मीडिया से। देखो लिटरेचर की मैनिफेस्टेशन के प्लेटफॉर्म्स क्या क्या है, वो कौन कौन से मीडियम है जिनके जरिए लिटरेचर को मैनिफेस्ट किया जाता है, ठीक है, लिटरेचर को प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, आर्ट्स, कल्चर, मूवीज, नॉवेल्स, बुक्स, यही यही मीडियम है ना, ठीक है, लिटरेचर को प्रोजेक्ट करने के लिए, हाँ या ना? ठीक है, तो पोस्ट मॉडर्निज्म की थ्योरी ये कहती है, अभी भी आवाज का इशू आ रहा है, अच्छा जी, तो पोस्ट मॉडर्निज्म की थ्योरी ये कहती है कि भाई मीडिया इन एनी फॉर्म, ठीक है, प्लीज फैजान मेरी बात को जरा समझना, मीडिया इन एनी फॉर्म ये कभी भी फ्री नहीं होता, बल्कि मीडिया, ठीक है, पावरफुल का टूल है। पावरफुल मीडिया को अपनी एजेंडा सेटिंग के लिए इस्तेमाल करता है, ठीक है, ये मीडिया को अपनी फेवर में ग्लोबल कंस्ट्रक्ट शेप देने में मदद देता है, और इन कंस्ट्रक्ट्स को एस्टेब्लिश करके बुनियादी तौर पे फिर पावरफुल दुनिया को उस तरीके से गवर्न करने की कोशिश करता है जो उसके अपने इंटरेस्ट में है। ठीक हो गया, वो उस तरीके से दुनिया को ऑपरेट करने की कोशिश करता है जो उसके अपने इंटरेस्ट के अंदर है। तो बुनियादी तौर पे मीडिया कभी भी फ्री नहीं है, फ्री मीडिया इज अ मिथ। मीडिया पावरफुल का टूल, ठीक है, पावर पर्पजेस के लिए इस्तेमाल होगा, पावरफुल की फेवर में कंस्ट्रक्ट्स को एस्टेब्लिश करेगा, पावरफुल की, ठीक है, इंटरेस्ट को रियलिटीज के तौर पे प्रोजेक्ट करेगा,
और ये बुनियादी तौर पे पावरफुल के लिए, ठीक है, एक पावरफुल को सर्व करेगा, ठीक है, इस तरीके से कि ये जो कंस्ट्रक्ट एस्टेब्लिश करेगा उसकी बुनियाद के ऊपर पावरफुल अपने एजेंडा को तकवीय दे सकेगा, ठीक है। तो ये कहता है कि लिटरेचर जो है, ठीक है, मीडिया जो है वो एक पावर का टूल है, और ये कभी भी कभी भी कभी भी पार्टीजन नहीं होगा, बल्कि ये हमेशा हमेशा बाइस्ड मीडिया के तौर पे ऑपरेट करेगा, ठीक है। आई होप सो यहां तक पोस्ट मॉडर्निज्म का थीसिस तुम लोगों को समझ आ गया कि पोस्ट मॉडर्निज्म कैसे ऑपरेट करती है। यानी ये कह रहा है, अच्छा, ये थ्योरी बड़ी क्लोज है टू द थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक हो गया। कंस्ट्रक्टिविज्म जनरल कंस्ट्रक्ट्स की बात करती है, पोस्ट मॉडर्निज्म इस चीज के ऊपर डिस्कस करती है कि कंस्ट्रक्ट मीडिया के जरिए एस्टेब्लिश कैसे किए जाते हैं, और कैसे पावरफुल स्टेट्स मीडिया को अपनी फेवर के अंदर टिल्ट करके, ठीक है, ग्लोबल एजेंडा, ग्लोबल नैरेटिव को शेप करते हैं, ठीक हो गया। अब मेरे बहनों भाइयों, ये थ्योरी कैसे ऑपरेट करे, ठीक है। पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी ये कहती है कि मीडिया को पावरफुल इस्तेमाल करेगा अपनी एजेंडा सेटिंग के लिए, मीडिया को पावरफुल इस्तेमाल करेगा अपनी एजेंडा सेटिंग के लिए। अब ये कहते हैं कि मीडिया की एक टेंडेंसी होगी, मीडिया की एक टेंडेंसी होगी, और वो टेंडेंसी क्या है कि ये हर सिचुएशन को ओवर सिंप्लीफाई और ओवर जनरलाइज करके प्रेजेंट करेगी। ये कभी भी तस्वीर के दोनों रुख नहीं दिखाएगी, कभी भी मीडिया किसी भी सिनेरियो को डीप रूटेडली डिस्कस नहीं करेगा, ये कभी भी, ठीक है, ऑपोजिट बिलीफ के ऊपर नहीं जाएगा। ARY बोलेगा कि नवाज शरीफ करप्ट ही करप्ट है, उसमें कोई अच्छी बात नहीं, और जियो बोलेगा कि इमरान खान ने पूरे का पूरा मुल्क तबाह कर दिया, इसके अलावा कोई अच्छी बात है नहीं। यानी जियो का एजेंडा है कि इमरान खान को हमने नहीं चलने देना, ARY का एजेंडा था हमने नवाज शरीफ को नहीं चलने देना, ठीक है। तो मीडिया अपने इस एजेंडा को कैसे सेट करेगा, वो कंप्लीट बात बताने की बजाय, ठीक है, डिफरेंट ओपिनियन बताने की बजाय, कंप्लीट नैरेटिव बताने की बजाय, डिटेल्ड स्टेटिस्टिक्स बताने की बजाय, वो जो एजेंडा बिल्ड करना चाहता है उस एजेंडा का एक ओवर सिंप्लीफाइड और एक ओवर जनरलाइज्ड वेरिएंट प्रेजेंट करेगा, ठीक हो गया। जैसे अमेरिकन मीडिया ने किया इराक के केस में कि इराक के अंदर वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, ठीक है, जैसे अमेरिकन मीडिया ने सोवियत यूनियन के बारे में किया कि सोवियत यूनियन एक ईवल स्टेट है, ठीक हो गया। जैसे अमेरिका का मीडिया आजकल, ठीक है, चाइनीज ग्रोथ को, ठीक है, इस तरीके से प्रोजेक्ट करता है कि चाइनीज ग्रोथ अमेरिकन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के थेफ्ट के जरिए खड़ी हुई है, ठीक हो गया। तो ये कहता है कि मीडिया पावरफुल के इंटरेस्ट को प्रोजेक्ट करेगा, कैसे करेगा, विदाउट डिस्कसिंग द डिटेल्स, विदाउट डिस्कसिंग बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ एनी स्टोरी। ये हर सिनेरियो को ओवर सिंप्लीफाई और ओवर जनरलाइज करके प्रेजेंट करें, ठीक है। अब उसे होगा क्या, मैं कामिल मारवी, हम उस मीडिया को करेंगे कंज्यूम, ठीक है, मैं मारवी और कामिल उस मीडिया को करेंगे कंज्यूम। जब हम मीडिया को कंज्यूम करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो मीडिया हमें बताएगा हम उसी को ही रियलिटी मान के अपनी ओपिनियन बिल्डिंग कर लेंगे। लेकिन जब हमने मीडिया के कहने के ऊपर ओपिनियन बिल्डिंग की, हमने मीडिया के कहने के ऊपर अपने नैरेटिव को एस्टेब्लिश किया, तो बुनियादी तौर पे हमारा अपना तो कोई नैरेटिव या व्यू पॉइंट नहीं है, हमने उस व्यू पॉइंट को एक्सेप्ट कर लिया, उस व्यू पॉइंट को अडॉप्ट कर लिया जो पावरफुल चाहता है कि इसे हम एक्सपेक्ट करें। बात समझ आई या नहीं, ठीक हो गया। तो ये कहता है कि जब मैसेज उस मीडिया को कंज्यूम करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ओवर सिंप्लीफाइड, ओवर जनरलाइज्ड वर्जन वो अपने अंदर उतारेंगे जो बुनियादी तौर पे पावरफुल चाहता है कि मैसेज उसको सच समझे। यानी कान चिट्टा है, ठीक है, अगर ये पावरफुल चाहता है तो हम मीडिया को कंज्यूम करेंगे, और हम एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, अपना ये नैरेटिव, ये कंस्ट्रक्ट बना लेंगे कि कान चिट्टा है, ठीक हो गया। शहबाज, यहां तक बात क्लियर हो गई, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब ठीक है, अब कंस्ट्रक्ट पोस्ट मॉडर्निज्म क्या कहता है,
ये कहता है कि मीडिया इज जस्ट शोइंग वन थिंग एज रियलिटी. मीडिया इज शोइंग जस्ट वन थिंग एज रियलिटी. मीडिया इज शोइंग जस्ट वन थिंग एज रियलिटी. ये कहता है कि दुनिया के हर एस्पेक्ट पे कोई एक सिंगल ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं होती. मीडिया के हर एस्पेक्ट के ऊपर कोई एक सिंगल ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं होती. ठीक है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एग्जिस्ट करेगा, डिफरेंट ऑफ व्यू पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, डिफरेंट स्टेटिस्टिक्स एग्जिस्ट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल देखिए मारवी, इस बात को ऐसे समझ कि इंडियन मीडिया कहता है कि 65 की जंग हम जीते. हम कहते हैं कि 65 की जंग हम जीते, तो बुनियादी तौर पे इंडियन मीडिया एक रियलिटी को प्रेजेंट कर रहा है, पाकिस्तानी मीडिया एक रियलिटी को प्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, जबकि रियलिटी परसेप्शन के साथ ओपिनियन के साथ वेरी कर सकती है, स्टेट्स वेरी कर सकते हैं, फैक्ट्स वेरी कर सकते हैं. ठीक है, तो पोस्ट मॉडर्निज्म के लोग कहते हैं कि भाई दुनिया में कोई एक सिंगल ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं होती. ठीक हो गया, दुनिया में फैक्ट्स वेरी करते हैं, ओपिनियंस वेरी करती हैं, इंटरप्रिटेशंस वेरी करते हैं, लेकिन मीडिया आपको अपने एनालिसिस को ही हतमी एनालिसिस के तौर पे प्रोजेक्ट करेगा, हालांकि जो मीडिया प्रेजेंट कर रहा है वो वाहिद सिंगल ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं. ठीक है, ये कहता है कि हर चीज के दो मीनिंग्स होंगे. मारवी इस बात को मेरा बच्चा, ये है कि हर चीज के दो मीनिंग्स होंगे. एक वो मीनिंग जो मीडिया दिखाना चाहता है, ठीक हो गया, और एक वो मीनिंग जो एक्चुअल उसके पीछे छुपा हुआ है. ठीक है शीजा बेटा, अब मीडिया अगर दिखाना चाहता है कि इमरान खान फेल है, तो एक रियलिटी ये है और एक रियलिटी ये है. ठीक हो गया, एक रियलिटी ये है कि जो इन रियलिटी इमरान खान की हुकूमत कर रही है. ठीक है, हम लोगों ने क्या कंज्यूम किया, हम लोगों ने मीडिया कंज्यूम किया, तो हमने उस चीज को रियलिटी मान लिया जो मीडिया का वर्जन है. लेकिन ये कहता है कि एक मीडिया का वर्जन हो सकता है और एक बिल्कुल ऑपोजिट टू मीडिया वर्जन हो सकता है, बिल्कुल न्यूट्रल मीनिंग वर्जन हो सकता है. तो ये कहता है हर चीज के डबल मीनिंग है. ठीक है, हर चीज के डबल मीनिंग है. चुनाचे आप लोगों को अगर आप चाहते हैं कि आप पावरफुल के हाथों में, ठीक है, पावरफुल के हाथों में प्ले ना करो, अगर आप चाहते हैं कि आप बुनियादी तौर पे किसी पावरफुल का इंस्ट्रूमेंट ना बने, तो आपको चाहिए कि आप मीडिया की ब्लाइंड स्टीरियोटाइपिंग करने की बजाय, उसकी ब्लाइंड इमिटेशन करने की बजाय, उसे ब्लाइंड फॉलो करने की बजाय, मीडिया पे प्रेजेंट होने वाली हर खबर को, हर न्यूज को, हर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को क्रिटिकल थिंकिंग और रिव्यू के प्रोसेस से गुजारो. क्योंकि अगर डबल मीनिंग है तो आपके आपको उसके ऊपर आपको उसे अंडरस्टैंड करने के लिए उसे डबल रीडिंग के प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा. मारवी बेटा, डबल रीडिंग का प्रोसेस क्या है कि यार मीडिया ये कह रहा है, इसका मीनिंग ये भी तो हो सकता है. तो ये कहता है कि अगर आप मीडिया के हाथों प्ले होने से बचना चाहते हो, तो आप लोगों को ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हर चीज के डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं, डबल मीनिंग हो सकते हैं, और अगर डबल मीनिंग हो सकते हैं तो आपको मीडिया के अंदर, लिटरेचर के अंदर मिलने वाली हर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को डबल रीडिंग यानी क्रिटिकल थिंकिंग के प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा. ठीक हो गया, और क्रिटिकल थिंकिंग के प्रोसेस से गुजार के आपको ये सोचना पड़ेगा कि यार बताया ये जा रहा है, इसका ये मतलब भी तो हो सकता है. ठीक हो गया, कहता है जब आप डबल रीडिंग के प्रोसेस से गुजारोगे, डबल रीडिंग के प्रोसेस से गुजारोगे, तो आप डीकंस्ट्रक्ट कर पाओगे कि बुनियादी तौर पे मीडिया जो प्रेजेंट कर रहा है वो किसको फेवर कर रहा है, किसके फेवर में है. ठीक हो गया, किस तरीके से, ठीक हो गया, वो किसको बेनिफिट कर रहे हैं और क्या
उस नैरेटिव को सच समझना आपके इंटरेस्ट में है या नहीं है। इन शॉर्ट ये कहता है कि मीडिया लिटरेचर की हर इंफॉर्मेशन को डीकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करो थ्रू डबल रीडिंग प्रोसेस, और उस डबल रीडिंग के जरिए आप सिनेरियोस को एनालाइज करने की कोशिश करो। ठीक है नाजिया, तेरा किस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है? नाजिया, तेरा किस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है? सच सच बता, किसे वोट दिए थे? पीटीआई? अभी भी इमरान खान अच्छा है? ठीक है, अब नाजिया, मैं पटवारी हूं, मैं नूरा हूं, मैं कहता हूं इसने तारीख के सबसे ज्यादा कर्जे लिए। ठीक है, तेरे पास अपने फैक्ट हैं, तो फैक्ट्स मेरे और तेरे वेरी हो गए। क्यों वेरी हुए? हमने पूरे फैक्ट्स तो उठाए नहीं, हमने अपने इंटरेस्ट के फैक्ट्स उठाए। मलगनी, क्लियर होगी बात? ठीक हो गया। अब मेरे बहनों भाइयों, अब इस थ्योरी को गौर करो, इस थ्योरी पे गौर करो। राफिया बेटा, पाकिस्तानी मीडिया ने कश्मीर के ऊपर किस नैरेटिव को प्रेजेंट किया? शेरग। इंडियन मीडिया ने कश्मीर इशू को किस नैरेटिव से प्रेजेंट किया? अटूट अंग। वेस्ट ने पाकिस्तान को मुसलमानों को किस एंगल से प्रेजेंट किया? टेररिस्ट। ठीक हो गया। वेस्ट ने इराक के अंदर क्या चीज प्रूव करने की कोशिश की? वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। अब राफे बेटा, अमेरिकन मीडिया ने क्या 10 साल इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं, क्या ये फकी बेची या नहीं बेची? बेची। उसके जरिए क्या ग्लोबल नैरेटिव को शेप दिया, और उस ग्लोबल नैरेटिव के जरिए क्या उसने इराक के इन्वेजन को जस्टिफाई किया? ठीक है, चलो मैं दो शेरों में तुम्हें बात बताने की कोशिश करता हूं। अगर लिफाफा बहाल हो जाए, ये हुकूमत कमाल हो जाए। ठीक हो गया। सच को क्या लिखेंगे मेरे दौर के अहले कलम, कि ये तो अपना पेट भरते हैं कहानी बेच कर। डन हो गया, पूरी बात समझ आ गई? बच्चों चौकस हो गई है पूरी थ्योरी? आगे चलूं? अच्छा, अब मेरे बहनों भाई, वो हमारी अगली थ्योरी है, और इनफैक्ट हमारी आखिरी थ्योरी है, वो है क्रिटिकल थ्योरी। हमारी अगली थ्योरी है और हमारी आखिरी थ्योरी है क्रिटिकल थ्योरी। उसके बाद हमारी दो अप्रोचेज हैं, बिहेवियरल अप्रोच और सिस्टम अप्रोच, वो मैं तुम लोगों को बाद में बता दूंगा। ठीक हो गया, लेकिन पहले हम क्रिटिकल थ्योरी को देखना शुरू कर देते हैं। शुरू करें मेरा बच्चा? सोनी, मैं कनोलॉजी बिल्ड करने लगा हूं, मेरी नॉलेजी पे गौर करी। नवाल, मैं कनोलॉजी बिल्ड करने लगा हूं, ठीक है, मेरी एनोलॉजी पे गौर करी, पूरी क्रिटिकल थ्योरी समझ आ जाएगी। नवाल, मेरे और तेरे दरमियान जी जी कर सकते हैं शहबाज, आसान बात कि जब भी आप रोल ऑफ मीडिया का आर्गुमेंट दे रहे हो, बात खत्म। समझ आ गई? जब भी आप रोल ऑफ मीडिया का आर्गुमेंट दे रहे हो, बात खत्म, मुकम्मल हो गई, समझ आ गई? अब मेरी एनालॉजी को जरा समझ लें। नवाल बेटा,
मेरे और तेरे दरमियान कोई आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है। आयशा, मैं तुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं? ये किसी बात वाले टाइम में मेरे से पूछें कि ऐसे में कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक हो गया, बता दूंगा ये कैसे करते हैं। अच्छा, ये बात को जरा गौर से जरा समझो। मेरे और नवाल के दरमियान एक आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट है, ठीक हो गया। अब हम दोनों के दरमियान उस आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट की बुनियाद पे, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट की बुनियाद पे हमारे दरमियान एक मुद्दत तक चप्पलीस रहती है। हम एक दूसरे की टांगें खींचते हैं, एक दूसरे को कूटते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं। मैं इसका व्यू पॉइंट नहीं मानता, ये मेरा व्यू पॉइंट नहीं मानती। एट सम पॉइंट मुझे नवाल की आर्गुमेंट के सामने सरेंडर करना पड़ता है। यहां तक बात समझ आ गई? अब मैंने इसके आर्गुमेंट के सामने सरेंडर तो कर दिया, लेकिन मैंने दिल से इसका आर्गुमेंट माना नहीं, ठीक हो गया। तो जब ये मेरे सामने होती है तो मैं कहता हूं, वाह नवाल, तू तो बड़ी इंटेलिजेंट है, तू तो बड़ी कमाल है, तेरा नजरिया तो बड़ा जबरदस्त है, तेरा सोच तो बड़ी जबरदस्त है, तेरा सिस्टम तो बड़ा जबरदस्त है, तेरा मॉडल तो बड़ा जबरदस्त है। लेकिन जैसे ही नवाल, ठीक है, ब्रेक टाइम में चिप्स खाने जाती है, तो मैं शीजा को कहता हूं, मनहूस है, घटिया है, ठीक हो गया, इसका निजाम तो बड़ा खराब है, ठीक है, निजाम, इसके निजाम ने तो पूरी क्लास का निजाम तबाह कर दिया, ठीक है, निजाम, इसके निजाम को चेंज होके कुछ ऐसा निजाम आना चाहिए, ऐसा निजाम आना चाहिए जो, ठीक है, सबको फेवर करता हो। यह निजाम तो सिर्फ और सिर्फ नवाल को फेवर कर रहा है। एनालॉजी समझ आ गई? ठीक हो गया। अब मेरे बहनों भाइयों, जब तक कोल्ड वॉर चल रही थी तो एक साइड पे थे कैपिटलिस्ट, एक साइड पे थे कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट हार गए। कम्युनिस्ट किन आइडियल से इंस्पायर्ड थे नवाल? मार्क्सिस्ट आइडियल से इंस्पायर्ड। कम्युनिस्ट किन आइडियल से इंस्पायर्ड थे? वो मार्क्सिस्ट आइडियल से इंस्पायर्ड थे, ठीक हो गया। तो हुआ क्या, मिसबा बात जरा समझी। कैपिटलिस्ट हार गए, द कैपिटलिस्ट जीत गए, मार्क्सिस्ट या कम्युनिस्ट हार गए, ठीक हो गया। अब एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स उठा, ठीक हो गया, जो उठते बैठते खाते पीते, उठते बैठते खाते पीते कैपिटलिज्म के निजाम से कीड़े निकालता है। मिसबा बात समझ आ गई? जो उठते बैठते खाते पीते कैपिटलिज्म के निजाम से निकालता है कीड़े, ठीक, और वो कहता है कि ये निजाम एक्सप्लॉयटेटिव है, ये निजाम घटिया है, इस निजाम से जान छुड़वानी चाहिए, ठीक हो गया, इस निजाम से अमेंसिपेशन हासिल करनी चाहिए। सबसे कीवर्ड क्या है? अमेंसिपेशन, इस निजाम से इमेंसी सी इस निजाम से मेंसी पेशन हासिल करनी चाहिए, छुटकारा हासिल करना चाहिए, ठीक हो गया। तो जब उनसे पूछा जाता है कि कैसा निजाम हो, तो नवाल वो कहते हैं, ऐसा निजाम हो जिसमें बराबरी हो, कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो, सारी ओनरशिप स्टेट के पास हो, सारे बराबर हो, सारे साथ साथ रहें। तो फौरन लोग कहते हैं कि तुम तो मार्क्सिज्म की बात कर रहे हो, तुम तो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजिस्ट की बात कर रहे हो। तो वो कहते हैं, नहीं, हमारी तो अपनी सोच है, हमारा तो मार्क्सिज्म से कोई ताल्लुक नहीं। पूरी कहानी समझ आ गई? ऐसे ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स जो हैं तो मार्क्सिस्ट, लेकिन अपने आप को मार्क्सिस्ट के तौर पे आइडेंटिफाई नहीं करते, वो उठते बैठते हर सिनेरियो में
डोमिनेंट सोशल ऑर्डर सिक्का राइजुल वक्त, यानी कैपिटलिज्म के निजाम से निकालते हैं हम उतर कीड़े, ठीक हो गया, कैपिटलिज्म के निजाम से निकालते हैं कीड़े, और वो ये कहते हैं कि ये कैपिटलिज्म का निजाम एक्सप्लॉयटेटिव है, हमें इस निजाम से छुटकारा हासिल करना चाहिए, ठीक हो गया, ऐसे, ठीक है, ऐसे स्कॉलर्स को कहते हैं क्रिटिकल थ्योरिस्ट, और उनकी अजम्पशंस को क्या कहते हैं, क्रिटिकल थ्योरी। पूरी बात समझ आ गई, पूरा नैरेटिव समझ आ गया क्रिटिकल थ्योरी का। समझ आया नहीं आया? ठीक है, तो रेफरेंस नोट कर लो, ठीक है, क्रिटिकल थ्योरी क्या करेगी, ये एमेंसिपेशन का मुतालबा करेगी। चीजा किस चीज से एमेंसिपेशन? डोमिनेंट ग्लोबल सोशल ऑर्डर, डोमिनेंट ग्लोबल सोशल ऑर्डर, और वो डोमिनेंट ग्लोबल सोशल ऑर्डर कौन सा है? डोमिनेंट ग्लोबल सोशल और कैपिटलिज्म। गुड शाबाश, गुड शाबाश, गुड शाबाश, ठीक है, रेफरेंस नोट कर लो, पार्ट वन चैप्टर टू पेज 92 to 98, पार्ट वन चैप्टर टू पेज 92 to 98, ठीक हो गया। अब मेरे बहनों भाइयों बात जरा समझिएगा, अब मैंने नवाल कहानी जरा समझी, कहानी जरा समझी नवाल, अब मुझे तुझे पढ़ानी है क्रिटिकल थ्योरी। नवाल मैंने तुझे पढ़ानी है क्रिटिकल थ्योरी। क्रिटिकल थ्योरी पढ़ाने के लिए मुझे पढ़ानी पड़ेगी नियो रियलिज्म, और नियो रियलिज्म समझने के लिए मुझे तुझे कराना पड़ेगा, सॉरी मैंने तुझे करानी है क्रिटिकल थ्योरी, क्रिटिकल थ्योरी तुझे समझाने के लिए मुझे तुझे करानी पड़ेगी नियो मार्क्सिज्म, और नियो मार्क्सिज्म करवाने के लिए मुझे समझाने के लिए मुझे तुझे समझानी पड़ेगी मार्क्सिज्म। तो मैं पहले समझाऊंगा मार्क्सिज्म, फिर मैं समझाऊंगा नियो मार्क्सिज्म, और फिर मैं समझाऊंगा क्रिटिकल थ्योरी, ठीक हो गया। तो हम शुरू करने लगे हैं मार्क्सिज्म से, हम कहां से शुरू करने लगे हैं, मार्क्सिज्म से शुरू करें, अल्लाह का नाम लेके, पहले मार्क्सिज्म, फिर नियो मार्क्सिज्म, और फिर क्रिटिकल थ्योरी। अब मेरी लाइटर नोट पे एक मेरा आर्गुमेंट है, वो आर्गुमेंट सुन लीजिएगा, ठीक हो गया, उस आर्गुमेंट को माइंड नहीं करना। और में से कई लोगों ने सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जेंडर स्टडीज वगैरह रखी होगी, ठीक हो गया। अब जब आपको ने मार्क्सिज्म पढ़ी होगी किसी से, तो जब मार्क्सिज्म पढ़ाया जाता है ना, तो मार्क्सिज्म को मुंह टेढ़ा कर कर के इतना मुश्किल करा के पढ़ाया जाता है, एक प्रोलेटेरियट होते हैं, एक बर्जुआसीज होते हैं, क्लास कॉन्सेप्ट होता है, बंदे को लगता है पता नहीं कौन सी रॉकेट साइंस है। बात समझ आई या नहीं है? यानी इतना कॉम्प्लिकेट करके पढ़ाएंगे, इतना कॉम्प्लिकेट करके पढ़ाएंगे, तो लगेगा कि ये कोई म्यूजिक थ्योरी है, और म्यूजिक वालों को लगेगा कि ये कोई, ठीक हो गया, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। बच्चों एक मार्क्सिज्म पढ़ाते हैं सोशियोलॉजी वाले, मुझे वो मार्क्सिज्म नहीं आती, मुझे सीधी सी मार्क्सिज्म आती है, ठीक हो गया, मैं वो सीधी सी मार्क्सिज्म पढ़ाऊंगा। तो जिन लोगों ने जेंडर स्टडी सोशियोलॉजी रखी हुई है, वो अपनी मार्क्सिज्म उधर पढ़ लीजिएगा, वहां पे इंशाल्लाह ताला आपको काफी ज्यादा शाफी तसल्ली के साथ पढ़ाई जाएगी, ठीक है, कि एक्चुअली यू नो वन इज प्रोलेटेरियट एंड अदर इज प्रोकॉसिस, ऐसे इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है। अब प्लीज बात जरा समझनी, मार्क्सिज्म बड़ी आसान सी बात है, दो लाइनर, ठीक है लाविया बेटा, टू लाइनर बात है। मार्क्सिज्म कहता है कि पूरी दुनिया का मसला है, पूरी दुनिया का मसला है, ठीक है, क्लास एक्सप्लॉयटेशन। सोनी मेरे जुमले पे गौर किया, मार्क्सिस्ट कहते हैं कि पूरी दुनिया का मसला है क्लास एक्सप्लॉयटेशन, और मसले का हल है क्लास
लेस सोसाइटी। पूरी दुनिया का मसला क्या है? क्लास एक्सप्लॉयटेशन। मसले का हल है क्लास लेस सोसाइटी। पूरी थ्योरी समझ आ गई? मसला क्या है? क्लास एक्सप्लॉयटेशन। मसले का हल है क्लास लेस सोसाइटी। अब मेरी बात को जरा समझना, ठीक है? कार्ल मार्क्स ने कहा कि आपको दुनिया में, दुनिया का जो सबसे बड़ा मसला है वो है क्लास एक्सप्लॉयटेशन। अब क्लास क्या होती है? क्लास होती है मैनिफेस्टेशन ऑफ इकोनॉमिक डिफरेंस इन द सोसाइटी। नवाल, क्लास क्या है? मैनिफेस्टेशन ऑफ इकोनॉमिक डिफरेंस इन द सोसाइटी, ठीक है? मैनिफेस्टेशन ऑफ इकोनॉमिक डिफरेंस इन द सोसाइटी। पैसे की बुनियाद पे मुआशरे में तकसीम, ठीक है? तबकाती तकसीम, पैसे की बुनियाद पे मुआशरे में तकसीम, अमीर गरीब, खाता पीता, भूखा नंगा, ठीक हो गया, चूर चोक वाला, ठीक है, डीएचए वाली, ठीक है। तो पैसे की बुनियाद पे मुआशरे में तकसीम कहलाती है क्लास डिफरेंस। और जब उस क्लास डिफरेंस की बुनियाद पे मुआशरे के अंदर, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन आ जाएगी तो वो कहलाएगी क्लास एक्सप्लॉयटेशन। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मसला है क्लास एक्सप्लॉयटेशन। अब कार्ल मार्क्स कहता है कि क्लासेस भी दुनिया में सिर्फ दो हैं, एक है एक्सप्लॉयटर क्लास, एक है एक्सप्लॉयटेड क्लास। एक है एक्सप्लॉयटर क्लास, एक है एक्सप्लॉयटेड क्लास। बच्चों, यहां तक बात समझ आ गई? कार्ल मार्क्स ने मसला क्या प्रेजेंट किया? पूरी दुनिया का मसला है क्लास एक्सप्लॉयटेशन। और क्लासेस कितनी हैं? दो। एक वो क्लास जो एक्सप्लॉयट करती है और एक वो क्लास जो एक्सप्लॉयट होती है। अब जो क्लास एक्सप्लॉयट करती है उसके लिए उसने जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो था बर्जुआसीज, ठीक है? इसे डिफरेंट लफ्जों नामों से बोला जाता है, बर्ग्योज भी बोला जाता है, ठीक है? तो एक क्लास है बर्जोसिस और एक क्लास है प्रोलिटेरियस। जो क्लास एक्सप्लॉयट होती है वो है प्रोलिटेरियट्स, ठीक है, और जो क्लास एक्सप्लॉयट करती है वो कहलाती है बर्ग्योस, ठीक हो गया? अब एक्सप्लॉयटर क्लास वो है जो मींस ऑफ प्रोडक्शन को ओन करती है। एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? नवाज, मीन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? मीन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, ठीक है? अब नवाज जरा समझी, मैं हूं इंजीनियर, ठीक है, प्रोलिटेरियट वो है जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑन करती है, यानी स्किल कर को ऑन करती है। अब कहानी जरा समझिएगा, ठीक है? शहबाज, कहानी जरा समझी। देखो, एक साइड पे है अना बेटा, अगर मेरे से समझ लेगी ना तो तेरी जिंदगी आसान हो जाएगी, ठीक है, प्लीज। एक साइड पे है, ठीक है, एक्सप्लॉयटर क्लास, एक साइड पे है मरियम नवाज, दूसरी साइड पे है गरीब किस्म का सिविल इंजीनियर, ठीक है, गरीब किस्म का इंजीनियर। अब मरियम आपा के पास है वो फैक्ट्री, वो मीन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, जो कोई प्रोडक्शन देगी उसके नतीजे में मरियम आपा की फैक्ट्री सोना उगलेगी। लेकिन मरियम आपा के पास स्किल नहीं है, स्किल है हसन अली गोंदल के पास। बात समझ आई या नहीं? तो हसन अली गोंदल अपने स्किल की बुनियाद पे उस फैक्ट्री में काम करेगा, हसन अली गोंदल की मेहनत से उस फैक्ट्री में लगेंगे चार चांद, हसन अली गोंदल की मेहनत से वो, ठीक है, फैक्ट्री सोना उगलेगी, हसन अली गोंदल की मेहनत से वो फैक्ट्री वेल्थ को जनरेट करेगी, हसन अली गोंदल से की मेहनत से
वो फैक्ट्री प्रॉफिट कमाएगी। यहां तक कहानी समझ आ गई? लेकिन ठीक है, जब प्रॉफिट कमाएगी तो हसन अली गोंदल अमीर नहीं होगा, बल्कि अमीर होंगी मरियम आपा रहमतुल्ला अलैह। ठीक है, मरियम आपा के पास है ठीक है ओनरशिप किस चीज की? मींस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। ठीक है, ये जहांगीर तरीन की कहानी है, ये नवाज शरीफ की कहानी है, ये मंशा साहब की कहानी है, ठीक है, ये खुसरो बख्तियार की कहानी है, ये मलक रियाज की कहानी है। उनके पास क्या है? मींस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ की ओनरशिप। अब ये लोग ठीक है हायर करेंगे गरीब बंदों को, गरीब इंजीनियर्स को, गरीब डॉक्टर्स को, गरीब एक्सपर्ट्स को। वो अपनी मेहनत करेंगे और उनकी मेहनत से वो मीन ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्शन देगी, वो प्रोडक्शन प्रॉफिट देगी और वेल्थ जनरेट करेगी। और जहांगीर तरीन, नवाज शरीफ, इमरान खान, मंशा ठीक है, मलक रियाज, ये अमीर से अमीर तक होते जाएंगे। लेकिन जो बंदा मेहनत कर रहा है उससे बड़े मिनिमम वेजेस दिए जाएंगे, बड़े मिनिमम वेजेस दिए जाएंगे, जिससे हार्डली वो अपनी लाइफ की नेसेसिटीज को पूरा कर सकेगा। ठीक हो गया? चुनाचे मेरी मेहनत से मरियम आपा की फैक्ट्री के ऊपर चार चांद लगेंगे, मरियम आपा बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदेंगी, मरियम आपा महंगे महंगे शूज खरीदेंगी, मरियम आपा ठीक है अपने मुंह पे परमानेंट मेकअप लगाएंगी, और हसन अली गोंदल अपनी जिंदगी की बेसिक जरूरियात से ही निकल नहीं पाएगा। यहां तक बात समझ आ गई? यहां तक बात समझ आ गई? बच्चों यहां तक बात समझ आ गई? हीर बेटा, ये कहता है कि भाई मरियम आपा अमीर से अमीर तक होती जाएंगी। नवाल अगली बात का समझ। अब कार्ल मार्क्स ने कहा कि ठीक है मेजॉरिटी रिसोर्सेस को ओन करेगी एक छोटी सी कैपिटलिस्ट क्लास, यानी बर्गोसिस ठीक है एक माइनॉरिटी होगी लेकिन वो 80% रिसोर्सेस पे काबिज होंगे। ठीक हो गया? लेकिन प्रोलिटेरियट्स ठीक है मेजॉरिटी होंगे लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के थोड़े से रिसोर्सेस के ऊपर गुजारा करेंगे। ठीक है, तो हसन अली गोंदल जब मेहनत करेगा, लेकिन जब उसे लगेगा कि साला मैं मेहनत करता हूं लेकिन याशी मरियम आपा करती हैं, तो वो कहेगा कि भाई मुझे अपने हकूक के लिए खड़े होना चाहिए। वो क्या कहेगा? मुझे अपने हकूक के लिए खड़े होना चाहिए। तो एक रोज हसन अली गोंदल के सर पे चढ़ेगी और वो अपने हकूक के लिए खड़ा होगा। वो मरियम आपा के पास जाएगा और उसे कहेगा मरियम आपा मुझे मेरे हकूक दे। ठीक हो गया? अब मरियम आपा कहेंगे कि तुम कौन? तो हसन अली गोंदल कहेगा कि मैं आपकी तफाक फाउंड्री में मैनेजर ऑपरेशंस। ठीक है, मरियम आपा कहेंगी तुमने क्या कर रखा है? हसन अली गोंदल कहेगा मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है। ठीक है, वो पूछेगी तुम कितने अरसे से इधर काम कर रहे हो? मैं कहूंगा मैं 10 साल से इधर काम कर रहा हूं। वो कहेगी कि तुम कितनी तनख्वाह लेते हो? ठीक है, मैं कहूंगा कि मैं 2 लाख रुपया तनख्वाह लेता हूं। वो कहेगी नौकरी करनी है कर, नहीं तो मैं तुझे रिप्लेस करके 20-20 हजार पे तेरे एक की बजाय 2 लाख में 10 इंजीनियर रख लूं। बात समझ आई या नहीं? है तो जब भी कोई भी प्रोलिटेरियट्स का आदमी इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपने राइट्स के लिए खड़ा होगा तो उसे रिप्लेस कर दिया जाएगा
विद इवन मोर चीपर लेबर, क्योंकि प्रोलेटेरियट्स मेजॉरिटी में हैं और प्रोलेटेरियट्स की कोई और कमी नहीं है, चुनाचे मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं होगी, मैं कहूंगा कि मरियम आपा आप मुझे लुक्स भी कराएं, मुझे ठुडे भी मारें, मुझे 100 प्याज भी खिलाएं, मैं जिंदा बात मरियम आपा भी कहूंगा, ठीक हो गया। मैं आपको ये भी नहीं कहूंगा कि आप चेहरे से परमानेंट मेकअप उठाएं, और मैं ये भी कहूंगा कि आप दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत, ठीक हो गया। तो ये कहता है कि इस बुनियाद पे सोसाइटी दो एक्सट्रीम्स में डिवाइड हो जाएगी, अमीर अमीर से अमीर तर होते जाएंगे और प्रोलेटेरियट्स एक खास साइकिल से नहीं निकल सकेंगे, चुनाचे क्लास डिफरेंस मुआशरे में बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे क्लास डिफरेंस बढ़ता जाएगा क्लास एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, चुनाचे ठीक है इस ओनरशिप की साइकिल की वजह से पूरा मुआशरा मटीरियल डायलेक्टिकलिज्म का शिकार हो जाएगा, यानी मादा पैसे मादियत पसंदी मटीरियलिज्म की बुनियाद पर मुआशरा दो एक्सट्रीम्स में बट जाएगा, मुआशरे में एक्सप्लॉयटेशन बढ़ती जाएगी, मुआशरे में डिस्पैरिटी बढ़ती जाएगी, मुआशरे में गैप बढ़ता जाएगा और मुआशरे में एक्सप्लॉयटेशन बढ़ती जाएगी, ठीक हो गया। तो ये कहता है कि कार्ल मार्क्स कहता है कि अगर आप इस तबकाती तकसीम से बचना चाहते हैं, ठीक हो गया, अगर आप इस मटेरियल डायलेक्टिकलिज्म को खत्म करना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीकेकार है, और वो तरीकेकार क्या है, वो तरीकेकार है कि आप वो तरीकेकार क्या है वो तरीकेकार है कि आप मेरे बहनों भाइयों, ठीक है, ये कहता है कि आप लोग इस डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को खत्म करने का क्या तरीकेकार है कि मुआशरे के अंदर से, ठीक है, मुआशरे के अंदर से हर तरीके से प्राइवेट ओनरशिप को खत्म किया जाए, प्राइवेट मींस ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप को खत्म किया जाए, सारी प्रोडक्शन मींस ऑफ प्रोडक्शन को ओन करे स्टेट, हर बंदा स्टेट की ओनरशिप पे जाके अपना स्किल कंट्रीब्यूट करे, ठीक है, हर किसी को उसके स्किल के अकॉर्डिंगली वेजेस मिले, और स्टेट हर किसी की ओनरशिप लेते हुए बगैर किसी डिफरेंस के हर किसी को इंश्योर करे रोटी कपड़ा और मकान, चुनाचे अनम भी रहेगी फ्लैट में, मैं भी रहूंगा फ्लैट में, अनम भी जाएगी सरकारी बस में, मैं भी जाऊंगा सरकारी बस में, अनम भी पहनेगी वही कपड़े जो कपड़े पहनूंगा मैं, अनम भी खाएगी कद्दू, मैं भी खाऊंगा कद्दू, ये कहता है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, अनम भी सुबह उठ के काम पे जाएगी, मैं भी सुबह उठ के काम पे जाऊंगा, हमारे पास प्राइवेट ओनरशिप प्राइवेट प्रॉपर्टी कोई नहीं आ सकती, प्राइवेट बिजनेस कोई नहीं आ सकता, हमने सरकार की मोड ऑफ प्रोडक्शन के अंदर कंट्रीब्यूट करना है, सरकार बगैर किसी डिफरेंस के हर किसी को रोटी कपड़ा और मकान देगी, और जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो उसकी बुनियाद पे हर किसी को वेजेस मिल जाएंगी, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। तो कार्ल मार्क्स कहता था कि पूरी दुनिया का मसला है क्लास एक्सप्लॉयटेशन, और मसले का हल है क्लासलेस सोसाइटी। फिर अगले रोज मरियम आपा भी फैक्ट्री में और मैं भी फैक्ट्री में, तो मरियम आपा से काम तो होगा नहीं, तो मैं काम भी करूंगा और थोड़ी थोड़ी मरियम आपा को झुकते में भी मारूंगा कि मुझे क्यों निकाला, ठीक हो गया, अब कभी आओ ना मर्दान खुशबू लगा, डन होगी पूरी कहानी। बच्चों मार्क्सिज्म समझ आ गया, मुझे ये आसान वाला मार्क्सिज्म आता है, जो मुंह टेढ़ा करने वाला है वो किसी और से पढ़ लेना, सीधी बात नो बकवास, क्लियर हो गया।
आगे चलूं। आगे चलते हैं। हाँ मेरे बहनों भाइयों, अगली है नियो मार्क्सिज्म। ठीक है, नियो मार्क्सिज्म। नियो मार्क्सिज्म देखो, मार्क्सिज्म के ऊपर आपने सिर्फ दो बातें याद रखी। ठीक है, मसला है क्लास एक्सप्लॉयटेशन। वाह शबाश जी, यही क्रैक से समझ गया है, तेरे सेल वीक हुए में। अब अगली बात जरा समझो बच्चों, मार्क्सिज्म का मसला क्या था? क्लास एक्सप्लॉयटेशन। और मसले का हल क्या था? क्लास लेस सोसाइटी। ऐसा ही है। अब मेरे बहनों भाइयों, हमारी अगली थ्योरी है न्यू मार्क्सिज्म। हमारी अगली थ्योरी क्या है? न्यू मार्क्सिज्म। तेजी से न्यू मार्क्सिज्म का थीसिस नोट कर, तेजी से न्यू मार्क्सिज्म का थीसिस नोट कर। और थीसिस क्या है? द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी इज शेप्ड बाय इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। न्यू मार्क्सिज्म का थीसिस क्या है? द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी इज शेप्ड बाय इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। यानी जैसा मुआशरे का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होगा, वैसे ही पूरे के पूरा माशरा शेप हो जाएगा। बच्चों ओके, जैसा मुआशरे का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होगा, वैसा ही पूरे का पूरा मुआशरा बन जाएगा। तो द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी इज शेप्ड बाय इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। यहां तक बात समझ आई या नहीं आई? द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी इज शेप्ड बाय इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। सबर कर बताता हूँ, मेरा बेटा बताता हूँ। द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी शेप्ड बाय इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। अब सुमेरा बेटा, ठीक है, सोसाइटी बेसिकली पांच सोशल इंस्टीट्यूशंस का मजमुआ है। सोसाइटी बुनियादी तौर पे पांच सोशल इंस्टीट्यूशंस का मजमुआ है। यानी पांच सोशल इंस्टीट्यूशन मिलके पूरी की पूरी सोसाइटी को शेप दे। मेरा ये आर्गुमेंट समझ आ गया? अब ये पांच सोशल इंस्टीट्यूशन हैं, फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स। ठीक है, फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स। अगर पानी मिल जाएगा तो मेरी जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी। ठीक है, फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स। बच्चों यहां तक बात समझ आई या नहीं? अब हर सोशल इंस्टीट्यूशन है सुमेरा पुत्र, कोई ना कोई सोसाइटी की फंडामेंटल नीड पूरी करनी। हर सोशल इंस्टीट्यूशन ने, फॉर एग्जाम्पल, हर इंसान की एक नीड है लव एंड बिलोंगिंगनेस की, किनशिप की। ठीक है, इंसान की वो लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड को पूरा करना जिम्मेदारी है फैमिली इंस्टीट्यूशन की। मेरा बाप, मेरी माँ, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी बीवी, मेरी बहन, मेरा भाई। क्या नहीं समझ आई या नहीं है? नंबर दो, दूसरा इंस्टीट्यूशन है रिलीजन। ठीक है, जो इंसान की स्पिरिचुअलिटी को, ठीक है, अपीस करता है, इंसान की स्पिरिचुअल नीड्स को फुलफिल करेगा। मेरा खालिक कौन, मेरा मालिक कौन, किसने बनाया, क्यों बनाया, किस लिए बनाया, तखलीक का मकसद क्या है, क्यों आया, क्या चंद चढ़ाने के लिए आया। ठीक हो गया, फिर कहीं फंस गया हो, ठीक है, अल्लाह मियां यहां से निकाल दे, मैं उमरा करके आऊंगा। ठीक है, अल्लाह मियां प्लीज सीएसएस पास कर दे शीजा, ठीक है, उमरा करके आएगी। जैसे अल्लाह मियां को तो शीजा की उमरे का इंतजार है। ठीक है, कहीं फंस गया, ठीक है, मान नहीं रही,
तो वो मिन्नत सी नहीं मानी, लो मन्नत मांग लेते हैं। तो इंसान की स्पिरिचुअल नीड्स, ठीक है, डिवाइन की नीड्स, देर इज समथिंग हु इज कंट्रोलिंग द होल ग्लोब। एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। अगला इंस्टीट्यूशन एजुकेशन। एजुकेशन वो सोशल इंस्टीट्यूशन है जिसका काम है कि इंसानों में वो स्किल्स इम्पार्ट करे जिसकी बुनियाद पे इंसान अपनी लाइवलीहुड कमा सके। एजुकेशन वो सोशल इंस्टीट्यूशन है जिसका काम है कि इंसान को के अंदर वो स्किल्स इम्पार्ट करें जिसकी बुनियाद पे इंसान अपनी लाइवलीहुड कमा सके। ठीक हो गया। अगला इंस्टीट्यूशन है इकोनॉमी। इकोनॉमी वो सोशल इंस्टीट्यूशन है कि जहां पे एजुकेशन के जरिए इंसान ने जो स्किल सीखी वो स्किल अप्लाई करे ताकि उसे लाइवलीहुड मिले। तो स्किल्स को अर्न करना इज एजुकेशन, और स्किल्स को अप्लाई करके पेट काफिर को भरना इज इकोनॉमी। और आखिरी सोशल इंस्टीट्यूशन है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स वो सोशल इंस्टीट्यूशन है जिसने ओवरऑल सोसाइटी के अंदर ऑर्डर को मेंटेन रखना होता है, मीनिंग दैट कि इंसानों की सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस, वेलफेयर, ठीक हो गया, और फ्रीडम को इंश्योर करना होता है। यानी ओवरऑल वो सोशल इंस्टीट्यूशन जो इंसानों की जिंदगी में, ठीक है, ऑर्डर, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी लाने का जिम्मेदार हो। ठीक है शीजा बेटा, तो ये पांच सोशल इंस्टीट्यूशन है। सोनी बेटा, अब मैं अगर इन पांचों को मिला लू, अगर मैं इन पांचों को मिला लू तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये पूरी की पूरी सोसाइटी है, ये पूरी की पूरी सोसाइटी का सुपर स्ट्रक्चर है? क्या मैं कह सकता हूं? ठीक है। अब सोनी पुत्र, नियो मार्क्सिज्म की ये स्टेटमेंट नोट कर, इस थीसिस को नोट कर। नियो मार्क्सिज्म कहता था कि भाई पूरी दुनिया का सुपर स्ट्रक्चर वैसा हो जाएगा जैसा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है। पूरी दुनिया का सुपर स्ट्रक्चर वैसा हो जाएगा, सॉरी, पूरी सोसाइटी का सुपर स्ट्रक्चर वैसा हो जाएगा जैसा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। सोनी, मेरा सोना बच्चा शिजा, राफिया, और ये क्लास में कोई मर्द नहीं है, जनानियों से बात कर करके मैं आ गया हूं। ठीक हो गया। तो मेरे बच्चों मुझे एक बात का जवाब दो, ठीक है, प्लीज कामिल मुझे एक बात का जवाब दो, ठीक है, शहबाज, मैं तुम लोगों से सवाल पूछूंगा, तासीर तुम लोगों ने मुझे जवाब देना। तासीर, एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी जिस मुल्क में होगी उस सोसाइटी के अंदर ज्वाइंट फैमिली ज्यादा सस्टेन करेगी या सेपरेट फैमिली? ज्वाइंट फैमिली। ठीक हो गया, ठीक, पकड़ लिया। नंबर दो, जहां पे पूरी की पूरी इकोनॉमी एग्रीकल्चर के गिर्द घूम रही है वहां पे रिलीजियस प्रैक्टिसेस, रिलीजियस नॉर्म्स भी तो नेचर के सराउंड करेंगे या नहीं करेंगे? मेला मवेशियां, मेला चरागा, चढ़ावे, ठीक हो गया, करेंगे या नहीं करेंगे? लोग नेचर से क्लोज होने की वजह से, ठीक है, अलमाइटी से भी, डिवाइन पावर से भी क्लोज्ड होंगे, होंगे या नहीं होंगे? ठीक है। अब एजुकेशन में क्या आएगा? एजुकेशन में बेसिक स्किल्स आएंगी, खेती बाड़ी, ठीक है, मवेशियों को पालना, एग्रीकल्चर की स्किल्स, एनिमल हस्बेंड्री की स्किल्स, ब्रीडिंग की स्किल्स, फार्मिंग की स्किल्स, ठीक है, तरखान की स्किल। तो स्किल्स भी नेचर सेंटर्ड होंगे, हाँ या ना? और पॉलिटिक्स में कौन आएगा? पॉलिटिक्स में कौन आएगा? लैंडलॉर्ड्स, फ्यूडल लॉर्ड्स। बात समझ आई या नहीं आई? तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी
नहीं फैमिली सिस्टम को अफेक्ट किया उसे, नहीं एजुकेशन सिस्टम को अफेक्ट किया उसी, नहीं पॉलिटिकल क्लास को डिटरमिन किया उसी, नहीं रिलीजियस प्रैक्टिसेस को डिटरमिन किया। चुनाचे पूरी दुनिया का स्ट्रक्चर, ठीक है, पूरी दुनिया का स्ट्रक्चर, ठीक है, पूरी सोसाइटी का स्ट्रक्चर घूमेगा अराउंड, ठीक है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक मॉडल। सुमेरा, पॉलिटिक्स में फ्यूडल इसलिए आएंगे क्योंकि फ्यूडल ही तो पावरफुल होंगे। तू आ जाए मलंगनी, ठीक हो गया। अब मेरे बहनों भाइयों, इकोनॉमी एग्रीकल्चर इकोनॉमी की बजाय आ गई इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को ज्वाइंट फैमिली फेवर करेगी या स्प्लिट फैमिली? इंडस्ट्रियलिस्ट को ज्वाइंट फैमिली फेवर करेगी या स्प्लिट फैमिली, सिंगल फैमिली? ठीक हो गया। ज्वाइंट फैमिली होगी तो उसकी वनस्पति का एक टीन बीज बिकेगा, ठीक हो गया। लेकिन अगर स्प्लिट फैमिली होगी तो उसकी जगह उसके 50, ठीक है, डब्बे बिक जाएंगे फिर, ठीक है। मौलाना फजलुर रहमान हमेशा किसके साथ जाके खड़ा होगा? हक हक के साथ, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, ठीक है। रिलीजन क्या होगा? रिलीजन के अंदर क्या होगा? ठीक है, रिलीजन में लिबरल क्लास आ जाएगी। एक्चुअली मैं तो नमाज पढ़ लेता हूँ, इसके अलावा मुझे मजहब से कोई लेना देना नहीं। हाँ, कथा पढ़ लेता हूँ सुबह फजर के टाइम, आँख नहीं खुलती वगैरह, ठीक हो गया। एजुकेशन में क्या आ जाएगा? ऑडिटिंग, अकाउंट, इंजीनियरिंग, MBA, क्या कर लेते हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना लेती हूँ, इसके अलावा सर जरूरत पड़े तो मुंह बना लेती हूँ, ठीक हो गया। तो एजुकेशन में क्या आ जाएगा? ठीक है, इंटेंजिबिलिटीज ज्यादा आ जाएंगी। और पॉलिटिक्स में जहांगीर तरीन आएगा, नवाज शरीफ आएगा, खुसरो बख्तियार आएगा, मंशा आएगा, मलक रियाज आएगा, ठीक है, चौधरीज आएंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास आएगी। तो द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी इज शेप्ड बाय इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। थीसिस समझ आ गया? थीसिस समझ आ गया? ठीक है, हम इस पर, मेरी बात पे गौर करें, ये बात पे गौर करें, ठीक है। अब नियो मार्क्सिस्ट कहते हैं कि पूरी दुनिया का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इस वक्त कैपिटलिज्म है। पूरी दुनिया का इकोनॉमिक निजाम किस चीज पे बेस कर रहा है? पूरी दुनिया का इकोनॉमिक निजाम बेस कर रहा है कैपिटलिज्म पे। और कैपिटलिज्म का निजाम है एक्सप्लॉयटेटिव। कैपिटलिज्म का निजाम कैसा है? एक्सप्लॉयटेटिव। इसीलिए हमें पूरी दुनिया में एक्सप्लॉयटेशन नजर आती है, ठीक हो गया। नियो मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं? पूरी दुनिया का इस टाइम जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो है कैपिटलिज्म, और कैपिटलिज्म का निजाम एक्सप्लॉयटेटिव है। इसीलिए इसीलिए ठीक है, इसीलिए आप, ठीक है, इसीलिए आपको पूरी दुनिया की सोसाइटी के हर एलिमेंट में एक्सप्लॉयटेशन नजर आती है, ठीक हो गया। बच्चों मैं दोबारा बता रहा हूं, नियो मार्क्सिस्ट कहते हैं कि इस टाइम पूरी दुनिया की इकोनॉमी बेस कर रही है कैपिटलिज्म पे, और कैपिटलिज्म का सिस्टम एक्सप्लॉयटेटिव है। इसीलिए हमें पूरी दुनिया में एक्सप्लॉयटेशन नजर आती है, ठीक हो गया, क्योंकि दुनिया का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एक्सप्लॉयटेटिव है। इसीलिए डोमिनेंट सोशल ऑर्डर, ठीक है, जिस निजाम पे बेस कर रहा है वो है कैपिटलिज्म। ना फिर बेटा, डोमिनेंट एग्जिस्टेंट ग्लोबल सोशल ऑर्डर किस चीज पे बेस कर रहा है? कैपिटलिज्म पे। क्योंकि कैपिटलिज्म एक्सप्लॉयटेटिव है
इसलिए पूरे का पूरा ग्लोबल सोशल इकोनॉमिक, पूरे का पूरा ग्लोबल सोशल ऑर्डर, डोमिनेंट सोशल ऑर्डर एक्सप्लॉयटेटिव है चुनाचे, ठीक है। पूरी दुनिया में जो एक्सप्लॉयटेशन है उसकी वजह यह है कि, ठीक है, पूरी दुनिया का मुआशी निजाम ही एक्सप्लॉयटेटिव। नियो रियलिज्म समझ आ गया? नियो रियलिज्म समझ आ गया या मजीद समझाने की जरूरत चौकस हो गया? न्यू रियलिज्म, न्यू मार्क्सिज्म, सॉरी। ठीक है, तो मेरे बहनों भाइयों बहुत जरा समझिएगा, मार्क्सिज्म का थीसिस क्या? क्लास एक्सप्लॉयटेशन। मार्क्सिज्म का थीसिस क्या? क्लास एक्सप्लॉयटेशन। मार्क्सिज्म के अकॉर्डिंगली मसले का हल क्या? क्लास लेस सोसाइटी। नियो मार्क्सिज्म का थीसिस क्या? पूरी दुनिया का सुपर स्ट्रक्चर वैसा हो जाता है जैसे उसका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हो। और उसका कंक्लूजन क्या? कि क्योंकि दुनिया का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैपिटलिज्म है और वो एक्सप्लॉयटेटिव है, इसीलिए सोसाइटी की में हर जगह के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। माँ भी ज्यादा उस पुत्र से प्यार करती है जो ज्यादा पैसे ला के देता है, बीवी सिर्फ आपकी तब इज्जत करती है, ठीक है, जब आप उसकी जेब भरते हो, उसे शॉपिंग कराते हो। मौलाना फजलुर्रहमान हक के साथ कभी नहीं खड़ा होता, ठीक है, हक हक के साथ खड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन सिस्टम में भी एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है। रूट्स वालों को पता है कि अगर सरकारी स्कूल ठीक हो गया तो रूट्स डीरूट हो जाएगा, बीकन हाउस वालों की बीकन बुझ जाएगी। और पॉलिटिक्स के अंदर भी लोग इसलिए आते हैं कि ताकि वो पॉलिटिक्स के अंदर आके ऐसा कानून साजी कर सकें जो उनकी अपने कारोबार को फेवर करती हो। तो द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ दिस सोसाइटी शेप्ड बाय इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। बच्चों अगर यहां तक बात समझ आ गई तो ओके कॉल दो, चौकस कॉल दो। अब मुझे एक बात बताइएगा, वैल्यू सिखाना किसका काम है? नवाब या फैमिली का या रिलीजन का? ऐसा ही है, ऐसा ही है। स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग सिखाना किसका काम है, फैमिली का या रिलीजन का? सही या गलत में तमीज सिखाना किसका काम है, फैमिली का या रिलीजन का? ऐसा ही है। अब शीजा अगर मैं गलत नहीं तो जब हमने नेशन स्टेट सिस्टम पढ़ा था तो क्या वो ये कहता था के रिलीजन को, वैल्यूज को, स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग को पॉलिटिक्स से जुदा रखो? क्या नेशन स्टेट सिस्टम की अजम्पशन थी कि पॉलिटिक्स को, पॉलिटिकल सिस्टम को रिलीजन से आइसोलेटेड रखो? तासीर थी या नहीं थी? ऐसे शीजा बेटा, ऐसी शीजा बेटा, क्या कैपिटलिज्म का प्राइमरी अजम्पशन ये है कि स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग और वैल्यूज को मार्केट प्लेस से साइड पे रखो? कैपिटलिज्म भी इस नैरेटिव पे ऑपरेट करता है या नहीं करता कि स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग, वैल्यूज को, रिलीजन को मार्केट प्लेस से डिसएसोसिएटेड रखो? कहता या नहीं कहता? ठीक हो गया। अब मुझे ये बताओ कि क्या इकोनॉमी और पॉलिटिक्स से रिलीजन डिसएसोसिएट हो सकता है? अगर हम इसे डिसएसोसिएट कर दें तो क्या सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी पूरा होगा? क्या सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी पूरा होगा? ठीक है जैफा, मैंने बेस बना दी मैंने बेस बना दी, ठीक है। अब मैं तुझे क्रिटिकल थ्योरी एक्सप्लेन करने लगा, ठीक हो गया। क्रिटिकल थ्योरिस्ट कहते हैं कि डोमिनेंट सोशल ऑर्डर क्या है, ग्लोबल डोमिनेंट सोशल ऑर्डर क्या है,
कैपिटलिज्म, पूछ ना बेटा। और डोमिनेंट पॉलिटिकल ऑर्डर कौन सा है, ग्लोबल पॉलिटिकल सिस्टम कौन सा है, नेशन स्टेट सिस्टम। ठीक है, ऐसा ही है। अच्छा, कैपिटलिस्ट ऑर्डर की थ्योरेटिकल डायमेंशन क्या है, इकोनॉमिक लिबरलिज्म, नेशन स्टेट सिस्टम, ऐसा ही है बुशरा बेटा। अभी तक मैंने कोई गलत तो नहीं बोला? डोमिनेंट सोशल ऑर्डर की थ्योरेटिकल डायमेंशन क्या है, इकोनॉमिक लिबरलिज्म या नेशन स्टेट सिस्टम, ऐसा ही है। अब रूज बुशरा बेटा, कहानी जरा समझनी है। ठीक है, ये कहता है कि डोमिनेंट सोशल ऑर्डर यानी कैपिटलिस्ट ऑर्डर जिन थ्योरीज पे खड़ा है वो कोई थ्योरीज नहीं। डोमिनेंट सोशल ऑर्डर जिन थ्योरीज पे खड़ा है वो कोई थ्योरीज नहीं, यानी नेशन स्टेट सिस्टम और इकोनॉमिक लिबरलिज्म कोई थ्योरी नहीं। ठीक है, तासीर, डोमिनेंट सोशल ऑर्डर जिन थ्योरीज पे खड़ा है वो कोई थ्योरीज नहीं, क्योंकि थ्योरी वो चीज होती है जो अनबाइस्ड हो, एपोलिटिकल हो और यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो, जबकि ये थ्योरीज वेस्ट की फेवर में बाइस्ड हैं। ये थ्योरीज, ठीक है, वेस्टर्न पॉलिटिकल निजाम को रिफ्लेक्ट करते हैं और इन थ्योरीज को यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं किया जाता। पूछना बेटा, पीछे से दोबारा लिंक करूं, डोमिनेंट सोशल ऑर्डर यानी कैपिटलिस्ट ऑर्डर जिन थ्योरेटिकल फाउंडेशंस पे खड़ा है वो कोई थ्योरीज नहीं, क्योंकि थ्योरीज वो चीज होती हैं कि जो अनबाइस्ड हो, एपॉलिटिकल हो और यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो, जबकि ये वेस्ट के बाइस्ड पॉलिटिकल और वेस्टर्न सेंटर्ड ओपिनियंस हैं। अगर यहां तक कॉन्सेप्ट फोकस हो गया तो मुझे ओके कॉल। अब क्रिटिकल थ्योरिस्ट फिर क्या कहता है, कहते हैं कि ये थ्योरीज यानी नेशन स्टेट सिस्टम, इकोनॉमिक लिबरलिज्म, ये कहती हैं कि रिलीजन को और वैल्यूज को पॉलिटिक्स और इकोनॉमी से जुदा रखो। ये कहता है कि डोमिनेंट सोशल ऑर्डर की थ्योरीज ये कहती हैं कि रिलीजन को, वैल्यूज को पॉलिटिक्स और इकोनॉमी से जुदा रखो, लेकिन रिलीजन पॉलिटिक्स और इकोनॉमी से जुदा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रिलीजन पॉलिटिक्स और इकोनॉमी की तरह सुपर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी का इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, डोमिनेंट सोशल ग्लोबल, डोमिनेंट ग्लोबल सोशल ऑर्डर, कैपिटलिस्ट ऑर्डर जिन थ्योरीज पे खड़ा है वो कोई थ्योरीज नहीं, बल्कि वो वेस्ट के बाइस्ड ओपिनियंस है, क्योंकि थ्योरी वो चीज है जो अनबाइस्ड हो, एपॉलिटिकल हो और यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो, जबकि ये वेस्ट के बाइस्ड पॉलिटिकल और, ठीक है, वेस्टर्न सेंटर्ड बिलीव्स हैं। अब ये थ्योरीज कहती हैं कि रिलीजन को, वैल्यूज को पॉलिटिक्स और इकोनॉमी से जुदा रखा जाए, लेकिन रिलीजन पॉलिटिक्स और इकोनॉमी से जुदा नहीं हो सकता, क्योंकि ये सोसाइटी का इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, अब ठीक है, यहां तक बच्चों चौकस हो गया, यहां तक क्रिटिकल थ्योरिस्ट की
आर्गुमेंट चौकस हो गए, उसकी अजम्पशन चौकस हो गई। अब नवाज ये कहता है कि वेस्ट कहता है, ठीक है, इसके आगे ये कहता है कि वेस्ट कैपिटलिस्ट स्कूल इसलिए इस बात पे विजित है कि रिलीजन और वैल्यूज को पॉलिटिक्स और इकोनॉमी से जुदा रखो, क्योंकि वेस्ट को पता है कि उसका निजाम एक्सप्लॉयटेटिव है, उसका निजाम इमोरल है, और उसका निजाम एक वाइटल क्लास को फेवर करता है और मेजॉरिटी यानी ट्रिवियल को एक्सप्लॉइट करता है। ठीक है, अब ये कहता है कि ये रिलीजन और वैल्यूज को इसलिए पॉलिटिक्स और इकोनॉमी से जुदा रखना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका निजाम वैल्यूज पे पूरा नहीं उतरता, रिलीजन के मॉरल जस्टिफिकेशन के ऊपर पूरा नहीं उतरता। वो जानते हैं कि उनका निजाम एक्सप्लॉयटेटिव है और उनका निजाम एक छोटी सी क्लास को फेवर करता है, लेकिन वो मैसेस को अपने निजाम के एक्सप्लॉयटेटिव डिजाइंस का पता नहीं लगने देते क्योंकि उनके हाथ में एक टूल है मीडिया, और वो मीडिया के जरिए अपने निजाम की सिर्फ खूबसूरत और अच्छी बातें प्रेजेंट करते हैं। वो अपने निजाम के एक्सप्लॉयटेटिव डिजाइंस को सरफेस नहीं होने देते। ठीक हो गया। अब ये कहता है कि ये ऐसा मुमकिन नहीं कि एक निजाम हमेशा रहे और हर जगह पे एप्लीकेबल हो। हर निजाम एक खास वक्त एक खास जगह तक महदूद हो सकता है। अगर मैसेस यानी कॉमनर्स को डोमिनेंट सोशल ऑर्डर के एक्सप्लॉयटेटिव डिजाइंस का पता चल जाए तो मैसेस कलेक्टिव एफर्ट के जरिए इस डोमिनेंट ग्लोबल सोशल ऑर्डर के एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम से एमेंसिपेशन यानी छुटकारा हासिल कर सकते हैं और इसकी जगह एक ऐसा एजिलिटेरियन निजाम ला सकते हैं, ऐसा बराबरी का निजाम ला सकते हैं जो सब की फेवर में हो। चुनाचे मैसेस को कलेक्टिव एफर्ट के जरिए इस डोमिनेंट एक्सप्लॉयटेटिव सोशल ऑर्डर से एमेंसिपेशन हासिल करके एक ऐसे निजाम को लाना चाहिए जो बराबरी या एजिलिटेरियन वैल्यूज पे बेस कर रहा हो। सो गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। मैं तेजी से दोबारा पूरी कहानी बताने लगा। डोमिनेंट सोशल ऑर्डर जिन थ्योरीज पे खड़ा है वो कोई थ्योरी, क्योंकि थ्योरी वो चीज होती है जो अनबाइस्ड हो, ए पॉलिटिकल हो, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, जबकि ये वेस्ट के बाइस्ड और पॉलिटिकल बिलीफ्स हैं, वेस्टर्न सेंटर्ड वेस्टर्न फेवर्ड बिलीफ्स हैं। अब ये बिलीफ्स कहते हैं कि रिलीजन को पॉलिटिक्स और इकोनॉमी से डिसइंटीग्रेटेड रखो, लेकिन रिलीजन पॉलिटिक्स और इकोनॉमी से डिसइंटीग्रेट नहीं रह सकता क्योंकि रिलीजन पॉलिटिक्स और इकोनॉमी की तरह सोसाइटी के सुपर स्ट्रक्चर का इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन वेस्ट रिलीजन को पॉलिटिक्स और इकोनॉमी से इसलिए डिसोसिएट रखना चाहता है क्योंकि वेस्ट को पता है कि उसका निजाम एक्सप्लॉयटेटिव है और उसका निजाम एक छोटी सी क्लास को फेवर कर रहा है, लेकिन वेस्ट मैसेज को अपने एक्सप्लॉयटेटिव डिजाइंस का नहीं पता चलने देता क्योंकि वेस्ट के हाथ में एक पावरफुल टूल है मीडिया, और वो अपने मीडिया के जरिए अपने निजाम के सिर्फ स्ट्रॉन्ग फीचर्स को, सिर्फ पॉजिटिव्स को प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन हर निजाम
हमेशा के लिए हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं रहता, हर निज़ाम एक खास वक्त एक जगह तक महदूद होता है, एक खास टाइम स्पेस कवरेज रखता है, हर निज़ाम बदल सकता है। चुनाचे मैसेज अगर इस निज़ाम के एक्सप्लॉइटेटिव डिजाइन को समझ लें और मैसेज इस निज़ाम के खिलाफ उठ खड़े हों, तो वो इस एक्सप्लॉइटेटिव निज़ाम जो कि एक छोटी सी वाइटल फ्यू को फेवर कर रहा है और ट्रिवियल मैनी के साथ एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, वो इस निज़ाम से एमेंसिपेशन हासिल कर सकते हैं, ठीक है, और इसकी जगह एक ऐसा निज़ाम ला सकते हैं जो मैसेज को फेवर करे, ना कि एक छोटी सी क्लास के फेवर में हो। चुनाचे इस डोमिनेंट सोशल ऑर्डर ऑफ कैपिटलिज्म से एमेंसिपेशन हासिल करके एक एजिलिटेरियन निज़ाम लाने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चों अगर यहाँ तक पूरी कहानी समझ आ गई है तो मुझे चौकस कॉल दो, अब तक तो फिंगर टिप्स पे आ जाना चाहिए। डन बच्चों, क्लियर? यानी अब पूरी चेन में तुम लोगों को दिखा दूं, पूरी चेन में तुम लोगों को दिखा दूं। जी जी राखे बेटा, क्लोज डील ले। ये देखो, अब क्रिटिकल थ्योरिस्ट वो थ्योरिस्ट हैं जो कैपिटलिज्म के निजाम को रिप्लेस करना चाहते हैं एक एजिलिटेरियन सिस्टम से, यानी वो डोमिनेंट सोशल ऑर्डर ऑफ कैपिटलिज्म से एमेंसिपेशन हासिल करना चाहते हैं। शहबाज बात समझ आ गई? ये एमेंसिपेशन हासिल करने के लिए वो नियो मार्क्सिज्म के आइडियल्स को बेस बना के सुपर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी को क्रिटिसाइज करते हैं। यानी नियो मार्क्सिज्म क्या कहता है? The superstructure of the society is shaped by economic structure. और क्योंकि economic structure exploitative है, ठीक है? Capitalism exploitative है, इसलिए चुनाचे वो emancipation के लिए पहले neo-Marxism को इस्तेमाल करके capitalism के system को criticize करते हैं और उसको, ठीक है, फिर ठीक है, capitalism के निजाम को replace करना चाहते हैं with some egalitarian निजाम। अब वो जो निजाम प्रपोज करना चाहते हैं वो निजाम क्लोज टू मार्क्सिज्म है, लेकिन ये कभी भी मार्क्सिज्म का नाम नहीं लेते। ये मार्क्सिज्म का नाम लिए बगैर जो मॉडल प्रपोज करते हैं वो मार्क्सिस्ट मॉडल के क्लोज है, यानी वो क्लासलेस सोसाइटी के क्लोज है। तो क्रिटिकल थ्योरिस्ट वो थ्योरिस्ट हैं जो नियो मार्क्सिस्ट हैं, जो फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के हैं, ठीक है, जिसे फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी कहा जाता है। वो एमेंसिपेशन चाहते हैं इस अजम्पशन पे कि डोमिनेंट सुपर स्ट्रक्चर एक्सप्लॉइटेटिव है, और वो उसे रिप्लेस करके, ठीक है, रिप्लेस करके उसे किसी एजिलिटेरियन वैल्यू से रिप्लेस करना चाहते हैं। ठीक है राबिया बेटा, मुझे क्या पता, बस वो अपने आप को एक स्पेशल स्कूल के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। आई होप सो मेरे बहनों भाइयों को पूरी क्रिटिकल थ्योरी क्लियर हो गई कि ये क्रिटिकल थ्योरी किस ब्लॉक का नाम है। आई होप सो अब तक तुम्हें ये पूरा मॉडल समझ आ गया होगा, ठीक है। मार्क्सिज्म कराते कराते मैंने तुम्हें, सॉरी, क्रिटिकल थ्योरी कराते कराते मैंने तुम्हें मार्क्सिज्म और नियो मार्क्सिज्म दोनों करवा दिए। आई होप सो मेरे बहनों भाइयों को सारी थ्योरी क्लियर होगी। तुम्हारी चौकस है इस थ्योरी में? अगर एमेंसिपेशन का नाम ना लिया तो गुनाहे कबीरा है। अगर एमेंसिपेशन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया तो गुनाहे कबीरा है। डन हो गया? ठीक है, 15 मिनट की ब्रेक है, वापस आओ तो शुरू करते हैं। 15 मिनट की ब्रेक है तो वापस आओ तो शुरू करते हैं।
जी आ गए सब लोग। जी आ गए सब लोग। अच्छा राफिया बेटा, हम अब आखिर में सेकंड ग्रेड डिबेट पढ़ने लगे हैं, ठीक है सोनी? ठीक है, सेकंड ग्रेड डिबेट जिसे आप साइंटिफिक एवोल्यूशन या बिहेवियरलिज्म या साइंटिफिक अप्रोच भी कहते हैं। अब मेरे बहनों भाइयों, 1950s में ये साइंटिफिक एवोल्यूशन आईआर के अंदर आया, और इसका बुनियादी तौर पे नैरेटिव क्या था, इसका थीसिस क्या था? इसका थीसिस ये था कि अगर आप आईआर को महज ट्रेडिशनलिस्ट पर्सपेक्टिव से पढ़ते रहेंगे तो आईआर अपने आप को कभी भी एस्टेब्लिश नहीं कर सकेगा एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन, ठीक है? चुनाचे आईआर को एक फॉर्मल एकेडमिक डिसिप्लिन बनाने के लिए, एक फॉर्मल एकेडमिक डिसिप्लिन बनाने के लिए आप लोग, ठीक है, आईआर के अंदर प्रॉपर, ठीक है, साइंटिफिक मेथड्स को इंडक्ट करें, प्रॉपर साइंटिफिकली एक नैरेटिव को एस्टेब्लिश करें, एक प्रपोजिशन को एस्टेब्लिश करें, प्रॉपर डेटा कलेक्ट करें, ठीक है, उस डेटा को साइंटिफिक मेथड्स के साथ एनालाइज करें और उस एनालाइज डेटा की बुनियाद पे इंफॉर्म्ड कंक्लूजन की तरफ जाएं। यानी आप रैंडमली स्टीरियोटाइप्स के ऊपर चलने की बजाय कि जैसे ह्यूमंस आर इगोइस्टिक, ठीक है, इंटरनेशनल स्ट्रक्चर आर अनार्किक, ठीक है, ऑल मीडिया इज बाइस्ड, ठीक है, मेल डोमिनेट्स द जेंडर, मेल डोमिनेट्स द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इस तरह की जनरल अजम्पशंस की बजाय हर सिचुएशन के ऊपर एक फॉर्मल प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाएं, प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से डेटा कलेक्ट करें, उस डेटा को फॉर्मल मेथड से वैलिडेट करें, फॉर्मल मेथड से इंक्वायरी करें, उस इंक्वायरी के जरिए आप लोग, ठीक है, फॉर्मली मेथड्स, साइंटिफिक मेथड्स को यूज करके कंक्लूजन्स तक पहुंचे। अगर आप आईआर के अंदर फॉर्मल साइंटिफिक मेथड्स को इंडक्ट नहीं करेंगे तो आईआर कभी भी अपने आप को एक एकेडमिक डिसिप्लिन के तौर पे, एक साइंटिफिक डिसिप्लिन के तौर पे एस्टेब्लिश नहीं कर सकेगा। तो ये जो मूवमेंट आई, इसे कहते हैं साइंटिफिक रेवोल्यूशन, और इसके अंदर डिफरेंट मेथड्स प्रपोज किए गए कि आईआर के अंदर आप साइंटिफिक एनालिसिस को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। साइंटिफिक रेवोल्यूशन का रैशनल समझ आ गया? बच्चों पूरा रैशनल समझ आ गया? अब मेरे बहनों भाई, वो बिहेवियरल अप्रोच, अब मैं बिहेवियरल अप्रोच एक्सप्लेन करने लगा, एक्सप्लेन करूं अगर आपकी इजाजत हो तो, ठीक है? अब बच्चों एक एनालॉजी के जरिए ना मैं बिहेवियरल अप्रोच एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, मेरी बात को जरा समझना, ठीक है? देख मिस पा, एक खास सिचुएशन आई, तेरी भाभी ने मुझे जलील किया, ठीक हो गया? ये खास सिचुएशन आई, तेरी भाभी ने मुझे जलील किया, फिर वैसी सिचुएशन आई, तेरी भाभी ने मुझे फिर जलील किया, आज फिर वैसी सिचुएशन आई है, तो क्या होने जा रहा है? दाड़ा ब्रा, फिर तो जलील होना ले।
सो हिस्टोरिकल बिहेवियर ऑफ द एक्टर रिवील्स, ठीक है, हिस्टोरिकल बिहेवियर ऑफ द एक्टर रिवील्स, ठीक है, कि तुम्हारा भाई फिर से जलील होने वाला है। क्लियर हुई या नहीं हुई? अब बिहेवियरल अप्रोच क्या अप्रोच है, ठीक है नवाब, बात जरा समझ। ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल सिचुएशनल बिहेवियरल डेटा, ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल सिचुएशनल बिहेवियरल डेटा, ट्राई टू प्रिडिक्ट फ्यूचर पॉसिबल बिहेवियर ऑफ एन एक्टर अगेंस्ट सम सिचुएशन एंड एडजस्ट योर पॉलिसी ऑप्शंस अकॉर्डिंगली। पूरी फिल्म समझ आ गई? ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल सिचुएशनल बिहेवियरल डेटा, ठीक है, ट्राई टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर पॉसिबल बिहेवियर ऑफ एन एक्टर इन सम सर्टन सिचुएशन एंड ट्राई टू एडजस्ट योर पॉलिसी ऑप्शंस अकॉर्डिंगली। यानी सिचुएशनल पास्ट डेटा के ऊपर प्रिडिक्टिव लॉजिक लगा के फ्यूचर पॉसिबल एक्शन को डिटरमिन करें और उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन मेकिंग करें। नवाब बेटा बिहेवियरल अप्रोच समझ आ गई? ठीक है, अब नवाब, ठीक है, लास्ट लाइन मुझे नहीं याद मैंने क्या बोला। नवाब मुझे नहीं याद यार। एंड एडजस्ट योर पॉलिसी ऑप्शंस अकॉर्डिंग। अब अमेरिका हमारे रीजन में फंसा, ठीक, नवाब, कोल्ड वॉर के दौरान फंसा, वॉर ऑन टेरर के वक्त फंसा, ठीक हो गया, तो उसने पाकिस्तान को कहा जानी आ, हम चले गए, मतलब पूरा उसने कहा उठ भाग, डन। फिर अमेरिका को रीजन के अंदर ट्रैप था, फिर पाकिस्तान की याद आई, ठीक हो गया। तो शीजा, अमेरिका का सिचुएशनल बिहेवियर क्या ये प्रिडिक्ट करता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ कॉर्डियल रिलेशन सिर्फ तब एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जब वो हमारे रीजन में कब किसी भी तरीके से बुरी तरीके से ट्रैप था। द मोमेंट उसके हमारे रीजन में इंटरेस्ट पूरे हो गए, उसने हमारे रकीबों से जाके जफियां डालना शुरू कर, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिचुएशनल बिहेवियर बिहेवियरल हिस्टोरिकल डेटा, हम क्या ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अमेरिका वुड नेवर बी, ठीक है, अमेरिका कभी भी पाकिस्तान के साथ कॉर्डियल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर रहा होगा, बल्कि अमेरिका सिर्फ पाकिस्तान के साथ तब रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा जब वो खुद किसी ना किसी रीजनल क्राइसिस में ट्रैप्ड होगा। क्लियर हो गया? तो इस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान को उन स्टेट्स के साथ ज्यादा कॉर्डियल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना चाहिए जो ऑल वेदर फ्रेंड्स के तौर पे ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। आई होप सो बिहेवियरल अप्रोच पूरी की पूरी समझ आ गई। मैं जुमला दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल सिचुएशनल बिहेवियरल डेटा,
टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर पॉसिबल बिहेवियर ऑफ एन एक्टर इन सम सर्टन सिचुएशन एंड ट्राई टू एडजस्ट योर बिहेवियर अकॉर्डिंगली। यानी हिस्टोरिकल सिचुएशनल डेटा के ऊपर साइंटिफिक प्रिडिक्टिव एनालिसिस लगा के डिफरेंट सिनेरियोस को असेस करना है कि कौन सा सिनेरियो की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि एक एक्टर उस बिहेवियर पे पॉसिबली ठीक है फ्यूचर के अंदर बिहेव करेगा। आई होप सो मेरे बहनों भाइयों को बिहेवियरल अप्रोच क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक। अब बिहेवियरल अप्रोच क्लियर। अब राबिया, बिहेवियरल अप्रोच आईआर में बुरे तरीके से पीटी, बिहेवियरल अप्रोच आईआर के अंदर बुरे तरीके से पीटी, क्यों पीटी? ठीक है शीजा, सिचुएशन तो आज वैसी ही आई है, लेकिन सिचुएशन तो आज वैसी ही आई है, लेकिन आज तेरी भाभी के अम्मी अब्बू आ रहे हैं तो घर का माहौल अच्छा रखना जरूरी है। सिचुएशन तो आज भी वैसी आई है, लेकिन कल ही तेरा भाई ठीक है उसे 50,000 की सेल पे शॉपिंग करा के आया। सिचुएशन तो आज भी वैसी आई है, लेकिन अगले महीने उसकी बहन की शादी है तो उसकी मजबूरी है कि उसने तेरे भाई के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने। बस समझ आई नहीं? ठीक हो गया। अब मेरे बहनों भाइयों, ठीक है, बिहेवियरल अप्रोच नाकाम क्यों हुई? नेचर ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स बदलती है, एक्टर्स के इंटरेस्ट बदलते हैं, बैलेंस ऑफ पावर की नेचर बदलती है, ग्लोबल अरीना बदलता है, अलाइंसेस बदलते हैं। ठीक हो गया, ठीक है। उसके बाद स्टेक्स बदलते हैं, तो माइट बी पास्ट के अंदर नेचर ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स और हो, आज के दिन नेचर ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स और है। ऑल दो सिचुएशन वेरी सेम है, लेकिन सिनेरियोस बदल चुके हैं, इंटरेस्ट बदल चुके हैं, अलाइंसेस बदल चुकी हैं, स्टेट की पॉलिटिक्स बदल चुकी है। चुनाचे आप आईआर के अंदर प्रेडिक्टिव एनालिसिस को रिलायबली अप्लाई नहीं कर सकते। माइट बी सेम तरह की सिचुएशन हो, लेकिन दोनों सिचुएशंस के अंदर एक्टर्स का बिहेवियर बिल्कुल बिल्कुल ऑपोजिट है। चुनाचे बिहेवियरल अप्रोच, क्योंकि यहां पे ह्यूमन वेरिएबिलिटी इन्वॉल्व हो जाएगी, यहाँ पे सिचुएशनल वेरिएबिलिटी इन्वॉल्व हो जाएगी, यहाँ पे इंटरेस्ट की वेरिएबिलिटी इन्वॉल्व हो जाएगी, तो वेरिएशंस इतनी ज्यादा हैं, ठीक है, कि प्रेडिक्टिव लॉजिक हमेशा रिलायबल नहीं होगा। आई होप सो मेरे बहनों भाइयों को ये बात समझ आ गई। समझ आ गई तो मुझे ओके कॉल दें। आगे चलूं, आगे चलूं। अब आ जाते हैं सिस्टम अप्रोच पे। अब सिस्टम अप्रोच एक्सप्लेन करूं, ठीक है। देखो बच्चों, इधर ध्यान कीजिएगा, सिस्टम अप्रोच के लिए कुछ टर्म्स नोट करनी, ठीक है सनी बेटा। सिस्टम अप्रोच क्या थी? सिस्टम अप्रोच ये थी के इंटरनेशनल रिलेशंस एक सिस्टम में ऑपरेट करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस एक सिस्टम में, ग्लोबल सिस्टम के अंदर। पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप एक इंटरनेशनल सिस्टम के ताबे है ना। अब सोनी प्लीज नोट करना, यह कहता है कि सिस्टम में
हर टाइम कुछ रूल्स होंगे, हर टाइम सिस्टम के कुछ पोल्स होंगे, ठीक हो गया, और हर टाइम सिस्टम के कुछ यूनिट्स होंगे, रूल्स, पोल्स और सिस्टम। सुनिए बेटा, इस टाइम दुनिया का सिस्टम क्या है? यूनिपोलर सिस्टम। ये कहता है यूनिपोलर सिस्टम के कुछ रूल होंगे, ठीक है, कुछ पोल्स होंगे और मल्टीपल यूनिट्स होंगे, ठीक है, यूनिट्स को आप एक्टर्स भी कह सकते हैं, ठीक है, यानी हर टाइम सिस्टम में स्टेट्स और नॉन स्टेट एक्टर्स अफेक्ट कर रहे होंगे। बच्चा आप जरा कहानी जरा समझिए, कहानी जरा समझिए। ये कहता है कि हर टाइम दुनिया के अंदर एक सिस्टम ऑपरेट कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल, इस टाइम दुनिया में एक सिस्टम है, दुनिया में फॉर एग्जांपल एक सिस्टम अमर्ज कर रहा है, ठीक है, तो उस सिस्टम के अकॉर्डिंगली मैंने एनालाइज करने हैं पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात विद रेफरेंस टू कश्मीर इशू, विद रेफरेंस टू कश्मीर इशू मैंने इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात को चेक करना। अब ये कहता है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप हैं, ये 1-to-1 इंटरेक्शन पे बेस नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, ये 1-to-1 इंटरेक्शन के ऊपर बेस नहीं कर रहे होंगे, बल्कि ठीक है, ये 1-to-1 इंटरेक्शन के ऊपर बेस नहीं कर रहे होंगे, बल्कि ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि मल्टीपल पोल्स हैं, ठीक है, इसके अंदर पोल है, एक पोल है आपका चाइना, एक पोल है आपका यूएसए, एक पोल है आपका चाइना, एक पोल है यूएसए, जो डोमिनेंट पोल है वो है यूएसए, इंडिया का अलायंस है यूएसए के साथ, ठीक है, जबकि पाकिस्तान का अलायंस है चाइना के साथ, और चाइना का इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। बात समझ आई नहीं? तो ये कहता है कि आप पहली चीज ये देखेंगे कि इस टाइम ग्लोबल सिस्टम के अंदर कौन से पोल्स हैं, तो हमारी सिचुएशन के अंदर जो पोल्स हैं उसके अंदर एक पोल है यूएसए और एक पोल है आप लोगों का चाइना। नंबर दो, ये कहता है सिर्फ ये पोल नहीं होंगे, इस पोलर सिस्टम में मल्टीपल एक्टर्स भी, मल्टीपल दूसरे एक्टर भी एग्जिस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, डिफरेंट मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, ठीक है, डिफरेंट मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट, ठीक है, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ठीक है, सिविल सोसाइटी है, ठीक है, सिविल सोसाइटी है, लाजमी नहीं है, ठीक हो गया, नाजिया लाजमी नहीं है, सिविल सोसाइटी है। ये कहता है कि पोल्स के रेफरेंस से, ठीक है, इंटरनेशनल, ठीक है, एक्टर्स भी अपने कंडक्ट को एडजस्ट कर रहे होंगे, तो ज्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस किसके इन्फ्लुएंस में, इंडिया के इन्फ्लुएंस में, यूएसए के इन्फ्लुएंस में, यूएसए किसके पॉइंट ऑफ व्यू को बाय कर रही है, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू को बाय कर रही है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रो इंडियन ऑपरेट कर रही होंगी। ऐसे ही नॉन स्टेट एक्टर्स, ठीक है, ज्यादातर, ठीक है, किसकी इन्फ्लुएंस में है, यूएसए के इन्फ्लुएंस में, तो ऑटोमेटिकली वो इंडिया का ओपिनियन बाय कर रही होंगी। तो ये कहता है कि हर टाइम सिस्टम के कोई पोल्स हैं, ठीक है, सिस्टम के कुछ एलिमेंट्स या एक्टर्स हैं, और हर सिस्टम के कुछ रूल्स हैं, चुनाचे आप हर सिचुएशन को, ठीक है, ग्लोबल सिस्टम के पोल्स
एलिमेंट्स और रूल्स की बुनियाद पे एनालाइज करने की कोशिश करो कि ये एलिमेंट किस पोल की तरफ जाएगा, ठीक है, ये एक्टर किस पोल की तरफ जाएगा, ये रूल पाकिस्तान को फेवर कर रहा है या इंडिया को फेवर कर रहा है, ठीक है, कौन सा रूल, फॉर एग्जांपल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रूल, क्या अमेरिका अगर इसका इंटरेस्ट नहीं है तो क्या अप्लाई हो सकते हैं कश्मीर इशू पे, नहीं हो सकते। तो ये कहता है कि जब तक हर सिचुएशन पे आप पूरे ग्लोबल सिस्टम को सिमल्टेनियसली इंटरप्रेट नहीं करेंगे तब तक आप आईआर को कंस्ट्रक्टिवली एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, ठीक हो गया। ये सिस्टम अप्रोच भी आईआर में शदीद तरीन नाकाम, ये सिस्टम अप्रोच भी आईआर के अंदर शदीद तरीन नाकाम, क्यों नाकाम, ठीक है, ये सिस्टम अप्रोच भी आईआर के अंदर शदीद तरीन नाकाम हुई, क्यों नाकाम हुई, ओवर कॉम्प्लिकेटेड, क्यों नाकाम हुई, ओवर कॉम्प्लिकेटेड, ठीक हो गया। तो मेरे बहनों भाइयों, जो आप लोगों की अप्रोच थी, ठीक है, जो आप लोगों की अप्रोच थी उसे क्या कहते हैं, बिहेवियरल अप्रोच, वो इसलिए नाकाम हुई क्योंकि बिहेवियर की प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, बिहेवियर की प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है। और जो आपकी अप्रोच थी, ठीक है, जो आपकी अप्रोच थी सिस्टम अप्रोच, वो उसलिए नाकाम हुई क्योंकि सिस्टम ओवर कॉम्प्लिकेटेड है। आई होप सो आपको बिहेवियरल अप्रोच और सिस्टम अप्रोच दोनों समझ आ गए। अगर समझ आ गए तो मुझे ओके कॉल दें। क्लियर हो गया, चलो यहां पे आके हम लोगों की सारी थ्योरीज होगी क्लियर, ठीक है। फोर ग्रेट डिबेट्स हो गई, बच्चों डन हो गई हैं थ्योरीज, नवाल कहती है तो मैं दोबारा पढ़ाता हूँ, क्या रह गया नवाल, क्या रह गया, अगर कुछ ना नवाल, क्या रह गया, अगर कुछ ना रहता होगा तो मैं तुझे कुटूंगा, तूने मुफ्त के ड्रामे लगाए हैं यहाँ पे क्लास में। मैंने फोर ग्रेड डिबेट सब आई और तुझे पढ़ा दी, पढ़ाई है या नहीं पढ़ाई है? अब अगर तेरा दिल है तेरा पेपर भी मैं दे तो वो तो हो नहीं सकता। या हो सकता है एफपीएससी में है तेरा कोई रिश्तेदार? ये चैट क्यों बंद हो गई है?
शहबाज, ये जब थ्योरी एप्लीकेशन की क्लास पर लूंगा तो उस टाइम बताऊंगा, जब एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी की क्लास लूंगा तो उस टाइम बताऊंगा ये। चैट के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रहा? ये क्लास का कोऑर्डिनेटर कौन है? तुम सब लोगों के पास मेरी बुक है पार्ट वन? हाँ, तो चैप्टर टू के आखिर में सिलेक्शन ऑफ थ्योरी के ऊपर पूरा एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, एक पूरा डिसीजन ट्री बना हुआ है। थ्योरी अप्लाई करना मैं सिखा दूंगा, वो डिसीजन ट्री से पढ़ लेना कि किस सिचुएशन में कौन सी थ्योरी लगानी है। अगली क्लास में दे दूंगा तुम लोगों को। पता चल गया मिस प्रिंट है। एक तो नवाल, तेरे सेल इतने वीक है ना, तो हमेशा लेट आती है क्लास में। पूरा मोहल्ला बोल चुका है मिस प्रिंट है, उसका जवाब दे चुका हूँ, तू अभी आ रही है मैदान में। अच्छा जी, हमारा अगला टॉपिक है इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी। बच्चों मैं लॉग आउट करके फिर से ज्वाइन करता हूँ, ये मेरी कंट्रोल्स में मसला कर रहा है। जी, हम लोगों का अगला एरिया है इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी। ठीक है, ये आप लोगों को पार्ट वन चैप्टर थ्री के अंदर मिलेगा, पार्ट वन चैप्टर थ्री के अंदर मिलेगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी? अब इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट दो डोमेन्स में ऑपरेट करता है। इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट कितने डोमेन्स में ऑपरेट करता है? दो डोमेन्स में। एक है इसका डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट और एक है इसका इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट। इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी दो डोमेन्स में ऑपरेट करता है, एक है इसका डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट और एक है इसका इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट। डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट क्या है? डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट क्या है? डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट क्या है कि एक स्टेट को ग्लोबल अरीना के अंदर किन किन चैलेंजेस का सामना है। एक स्टेट को डोमेस्टिक अरीना के अंदर किन किन
सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है और वो अपनी सॉवरेनिटी को इंश्योर करने के लिए, अपने नेशनल इंटरेस्ट को इंश्योर करने के लिए ऐसा क्या क्या कर सकते हैं कि वो अपने आप को इंटरनेशनली इंटेक्ट रख सकें, अपने आप को अपना सर्वाइवल इंश्योर कर सकें, अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव कर सकें। सुनिए बेटा, बात समझ आ गई। पाकिस्तान को एज अ नेशन स्टेट ग्लोबल पॉलिटिक्स में किन किन सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है और पाकिस्तान उन सिक्योरिटी चैलेंजेस को कैसे अफेक्टिवली एड्रेस कर सकता है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी का पहला तो ये कॉन्सेप्ट। ये पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है। जबकि एक दूसरा एक कॉन्सेप्ट है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि भाई, ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट ये है मेरे भाई कि भाई पाकिस्तान को, ठीक है, सॉरी, सिक्योरिटी चैलेंजेस इंटरनेशनली पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, या इंटरनेशनल डिसीजंस सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को कैसे शेप देते हैं। फॉर एग्जांपल, 9/11 एक सिक्योरिटी चैलेंज था, एक ग्लोबल सिक्योरिटी क्राइसिस था। 9/11 एक ग्लोबल सिक्योरिटी क्राइसिस था, सारे नेपाल चले गए हो, ठीक हो गया। क्या उस ग्लोबल क्राइसिस ने अमेरिका की, पाकिस्तान की पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट किया? किया, ठीक है। अब पाकिस्तान ने, मुशर्रफ रिजीम ने एक डिसीजन लिया कि हमने वॉर ऑन टेरर में जाना है, पॉलिटिकल डिसीजन विश्वा ले लिया। क्या उस पॉलिटिकल डिसीजन ने पाकिस्तान में टेररिज्म को क्रिएट किया? तो क्या उस पॉलिटिकल डिसीजन के बैकलैश के तौर पे पूरे का पूरा मुल्क, ठीक है, मैसिव किस्म की टेररिस्ट वेव के अंदर आ गया? तो कैसे पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को शेप देती है और सिक्योरिटी एनवायरनमेंट पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करती है? ठीक हो गया। तो आप इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी को दो एंगल से देखो। नंबर एक, स्टेट को 21वीं सदी में किन किन सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है और स्टेट को उन सिक्योरिटी चैलेंजेस को कैसे एड्रेस करना है, किन किन टूल्स से एड्रेस करना है ताकि स्टेट अपने नेशनल इंटरेस्ट और अपनी सॉवरेनिटी को अचीव कर सके, ठीक है। जबकि इंटरनेशनली इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग सिक्योरिटी को कैसे अफेक्ट करती है और सिक्योरिटी एनवायरनमेंट पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग को कैसे अफेक्ट करती है। आई होप सो आप लोगों को इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी का थीम समझ आ गया। क्लियर हो गया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, तुम्हारी करंट अफेयर की रिलेशंस की क्लास किसने ली है? करंट अफेयर रिलेशंस, एहसान, देखो। चलो, अब मेरे बहनों भाइयों, कोर्स के अंदर ठीक है, 6 टॉपिक हैं इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी के अंदर। 6 टॉपिक हैं। एक टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी इन 21st सेंचुरी, एक टॉपिक है पावर एंड एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर, और एक टॉपिक है बैलेंस ऑफ पावर। इन तीनों टॉपिक्स को कर दो साइड पे। एक टॉपिक है फॉरेन पॉलिसी डिटरमिनेंट्स डिसीजन मेकिंग एंड एनालिसिस, एक टॉपिक है सॉवरेनिटी, और एक टॉपिक है नेशनल इंटरेस्ट। ये तीनों टॉपिक करंट अफेयर्स के रिलेशंस वाले टीचर के हाथ में हैं। आई होप सो ये टॉपिक तुम लोगों को एहसान ने करवा दिए। क्लियर हो गया?
आई होप सो ये तीनों टॉपिक तुम लोगों को एहसान ने करवा दिए होंगे। कामिल, ये तीनों टॉपिक क्लियर है ना? तो मैंने इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी में तुम्हें तीन टॉपिक्स करवाने हैं। नवाल, कराए नहीं है या क्लियर नहीं है? मुबारक हो शहबाज, नवाल तुझे भी मुबारक हो। एनीवेज, ये तीनों टॉपिक्स ठीक है, ये तीनों टॉपिक्स मुबारक हो शहबाज, अल्लाह ताला तेरे लिए आसानियां पैदा करे। ठीक है, तो एज पर दी गाइडलाइंस, ठीक है, एज पर दी गाइडलाइंस मैंने पहले तीन टॉपिक करवाने। बेटा वास सीमा, ये मुझे ना अपने मसले ना बता के सर समझ आए थे या नहीं आए थे। ठीक है, ऐसे तो तुझे नोवा का हर टीचर हर सब्जेक्ट पढ़ाए तो फिर तुझे समझ आएंगे। ठीक है, मैंने सिंपली ये बता दिया है जो कोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अकॉर्डिंगली पहले तीन टॉपिक्स करवाने हैं मैंने, बाकी तीन टॉपिक्स करवाने करंट अफेयर्स के रिलेशंस वाले टीचर ने। ठीक है, तो मैं करवाऊंगा पहले तीन टॉपिक्स, बाकी समझ आए या नहीं आए, करवाए या नहीं करवाए, उसमें मेरा ठीक है कसूर तो कोई नहीं है ना। तो मेरे हिस्से में टॉपिक हैं तीन, कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी इन 21st सेंचुरी, पावर एंड एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर एंड बैलेंस ऑफ पावर। कराना शुरू करूं? हमारा मेरे बहनों भाइयों पहला टॉपिक है कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी इन 21st सेंचुरी। रेफरेंस है पार्ट वन चैप्टर थ्री पेज 111 से 122 तक। पार्ट वन चैप्टर थ्री पेज 111 to 122 कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी इन 21st सेंचुरी। पार्ट वन चैप्टर थ्री पेज 111 to 122 रेफरेंस नोटेड। अब इस टॉपिक के पीछे एक पूरी की पूरी कहानी। ठीक है, सबसे पहले राफिया नोट करो कि ये टॉपिक बुनियादी तौर पे एक इंटरनेशनल सोसाइटी थ्योरिस्ट हैं जिनका नाम है बैरी बुजान। ठीक है, बैरी बुजान, ये बुनियादी तौर पे उनके एक आर्टिकल का टाइटल है। ये टॉपिक बुनियादी तौर पे उनके एक आर्टिकल का टाइटल है, कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी इन 21st सेंचुरी। अब राफिया, इन्होंने ये आर्टिकल लिखा तो ऑटोमेटिकली ये आर्टिकल किसी ना किसी एनवायरनमेंट में किसी ना किसी सिचुएशन में लिखा होगा, हाँ या ना? किसी ना किसी एनवायरनमेंट में किसी ना किसी सिचुएशन में लिखा होगा। ठीक है, तो अब मैं पहले ये बैरी बुजान के थीसिस का बैकग्राउंड बता देता हूं कि सिचुएशन क्या। ठीक है, मेरी बात को गौर से जरा समझना। ठीक है, मेरी बात को गौर से जरा समझना। जब कोल्ड वॉर शुरू हुई तो एक साइड पे थे कैपिटलिस्ट, एक साइड पे थे कम्युनिस्ट। ठीक हो गया, दोनों के दरमियान टग ऑफ वॉर जारी थी, लेकिन सिर्फ कोल्ड वॉर उनके दरमियान नहीं चल रही थी, कोल्ड वॉर एक और जगह पे भी चल रही थी। और वो आईआर के दो डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स थे, एक साइड पे थे रियलिस्ट, दूसरी साइड पे थे लिबरल्स। एक साइड पे थे रियलिस्ट, दूसरी साइड पे थे लिबरल्स। ठीक हो गया, अब रियलिस्ट कहते थे कि भाई रियलिस्ट कहते थे कि भाई सिक्योरिटी डायलेमा अपनी पीक पे है, दोनों स्टेट्स के दरमियान ठीक है पावर पॉलिटिक्स अपनी पीक पे है, दोनों के दरमियान सिक्योरिटी मैनिफेस्टेशन अपनी पीक पे है। रियलिस्ट कहते थे कि दोनों मुल्कों के दरमियान सिक्योरिटी डायलेमा पीक पे, दोनों के दरमियान पावर कंपटीशन पीक पे, दोनों के दरमियान अनार्की पीक पे, चुनाचे दोनों मुल्क एक दूसरे को काउंटर करने के लिए हर हाल तक जाएंगे, ये कोल्ड वॉर एक हॉट वॉर में कन्वर्ट होगी,
और एक वर्ल्ड वॉर 3 होगी। एक जीतेगा, एक हारेगा, एक इस पावर कंपटीशन में प्रिवेल करेगा, दूसरा इस पावर कंपटीशन के अंदर हारेगा। सिर्फ तभी कोल्ड वॉर खत्म होगी। चुनाचे रियलिस्ट स्कॉलर ने यह प्रिडिक्ट करना शुरू कर दिया कि सिक्योरिटी डायलेमा, पावर ट्रांजिशन, आर्म्स रेस, ठीक है, पावर कंपटीशन अपने पीक पे है, अनार्की अपने पीक पे है, वॉर मैनिफेस्ट होगी, दोनों की फौजें एक दूसरे से टकराएंगी, एक को कुट पड़ेगी, एक जीतेगा, सिर्फ तभी कोल्ड वॉर खत्म होगी। राफिया, ठीक है, क्लेम ऑफ रियलिस्ट समझ आ गया? क्लेम ऑफ रियलिस्ट समझ आ गया? ठीक है। जबकि लिबरल्स कहते थे कि भाई दुनिया पहले ही वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 जैसे कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स देख चुकी है, ठीक है, दुनिया के अंदर मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश हो चुके हैं, यूएन है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, इंटरनेशनल लॉ है, जनीवा कन्वेंशन है, डिप्लोमेसी है, चुनाचे रैशनैलिटी प्रिवेल करेगी, दोनों स्टेट्स डिप्लोमेसी के जरिए अनार्की को ओवरकम करेंगी। ये कंस्ट्रक्ट एस्टेब्लिश हो चुका है कि वॉर से किसी को फायदा नहीं होगा। तो लिबरल्स कहते थे कि भाई मामला डिप्लोमेटिक टेबल के ऊपर आएगा। तो रियलिस्ट ने खप मचाई हुई थी कि वॉर हो ही होए, और लिबरल्स कहते थे कि वॉर नहीं हो। अब मेरे बहनों भाइयों, जैसे ही फड्डा थोड़ा टाइट होना तो रियलिस्ट को शारी आ जानी। उन्होंने कहना कि हम ना कहते थे वॉर होगी, हम ना कहते थे माहौल बनेगा, हम ना कहते थे कि तोपें चलेंगी, हम ना कहते थे कि सर खुलेंगे, ठीक है, हम ना कहते थे कि सिक्योरिटी मैनिफेस्ट होगी होगी, ठीक हो गया। और जैसे ही मामला थोड़ा ठंडा होता तो लिबरल्स कहते थे, हम ना कहते थे जानी अमन होगा, अमन की आशा होगी, बातचीत होगी, रैशनैलिटी होगी। तो जैसे ही बाइपोलैरिटी थोड़ी सी पीक पे जाए, रियलिस्ट पंप हो जाए, जैसे ही फड्डा थोड़ा सा वीक हो, कमजोर हो, लूज बाइपोलैरिटी हो, तो लिबरल्स, ठीक है, पीक के ऊपर आ जाए। एक कहता था कि भाई कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी मैनिफेस्ट होगा ही होगा इन फॉर्म ऑफ वॉर, और दूसरा कहता था कि सिक्योरिटी डायलेमा को ओवर करेगी रैशनैलिटी और कोऑपरेशन मल्टीलेटरल। राफिया, गेम समझ आ गई? ठीक है, 1950s गुजरा, जंग नहीं हुई। 1960s गुजरा, जंग नहीं हुई। 1970s गुजरा, जंग नहीं हुई। तो आहिस्ता आहिस्ता लिबरल्स ने मजे लेना शुरू कर दिए, ठीक हो गया। अब जब रियलिस्ट स्कॉलर उनके सामने आते थे ना, तो वो मजे लेके कहते थे, आ जानी सुना कब हो रही है वर्ल्ड वॉर 3, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता लिबरल्स ने कहना ये शुरू कर दिया कि भाई सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये फ्लॉड, ठीक हो गया, रैशनैलिटी आ चुकी, यूएन आ चुका, इंटरनेशनल सिस्टम आ चुका, तो चाहे डिस्प्यूट भी हो, अनार्की को डिप्लोमेटिक एफर्ट्स ओवरकम करेंगी। तो आहिस्ता आहिस्ता लिबरल्स ने लेना शुरू कर दिए मजे। अब मेरे बहनों भाइयों, अमेरिका की लॉन्ग टर्म पॉलिसी थी कि हमने सोवियत यूनियन को स्ट्रेच करना है, ये मैं कोल्ड वॉर में जाके आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, बहुत लंबी कन्फ्रंट्रेशन होने की वजह से सोवियत यूनियन इंटरनली कमजोर हो रहा था, तो आहिस्ता आहिस्ता वो स्ट्रेच आउट होना शुरू हो गया, और ऊपर से अमेरिका एक मेजर किस्म का प्रोपोगेंडा सोवियत यूनियन के खिलाफ चला रही थी कि कैपिटलिस्ट आगे निकल गए, कम्युनिस्ट पीछे निकल गए, कैपिटलिस्ट की साइड पे कुपियां, इस साइड पे टुन, कैपिटलिज्म वाले सीन, यहाँ पे टखना नंगा दीन, वो आगे निकल गए, ये पीछे, वहां पे पार्टियां, यहाँ पे चर्सी, ठीक हो गया। तो आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका, ठीक है, कम्युनिस्ट के खिलाफ मेजर किस्म की प्रोपोगेंडिस्ट कंपेन कर रहा था। तो एक तो सोवियत यूनियन इंटरनली इंटरनली वीक हो रहा था, ठीक हो गया, और ऊपर से, ठीक हो गया, अमेरिका उसके खिलाफ प्रोपोगेंडा कर रहा था, जिसकी वजह से हुआ क्या काम? हुआ ये कि सोवियत यूनियन के अंदर से आवाजें आना शुरू हो गई कि हमें कैपिटलिज्म चाहिए,
कम्युनिज्म के सिस्टम ने हमें बैकवर्ड कर दिया है, जो कैपिटलिस्ट मुमालिक थे वो आगे निकल गए हैं, हम लोग पीछे निकल गए। मेरे बच्चों यहां तक बात समझ आ गई, यहां तक सिनेरियो समझ आ गया। अब ठीक है, 1980s का स्टार्ट हुआ ना सोनीपुत्र, तो जब 1980s का स्टार्ट हुआ तो सोवियत यूनियन अंगेज था अफगान कोल्ड वॉर के अंदर, तो पठान खोचा रात को साला चरस पीता था, सुबह उठ के सोवियत के फौजियों को कूटता था, ठीक हो गया, खोचे को कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो एक साइड पे पठान कूट रहे थे, ऊपर से इंटरनल कोलैप्स चल रहा था, डोमेस्टिक मूवमेंट चल रही थी, हमें कम्युनिज्म नहीं चाहिए, हमें कैपिटलिज्म चाहिए। तो लाकी करनी कैसी हुई कि जो स्टालिन का सक्सेसर था निकिटिव क्रुश्चेव, स्टालिन का जो सक्सेसर था निकिटिव क्रुश्चेव, ठीक हो गया, उसकी 1983 में हो गई डेथ, वो हो गया अल्लाह को प्यारा। मिसबा ये बात समझ आ गई, वो हो गया अल्लाह को प्यारा। अब उसका जो सक्सेसर आया निकिटिव क्रुश्चेव का, उसका नाम था गॉर्बचेव, उसका नाम क्या था, गॉर्बचेव। अब जब गॉर्बचेव हेड ऑफ सोवियत यूनियन बना तो गॉर्बचेव एक कम्युनिस्ट लीडर था, लेकिन जैसे ही वो लीडर बना तो एक तो सोवियत यूनियन को अफगान वॉर थिएटर के ऊपर पैदर पे शिकस्त हो रही थी, ऊपर से मुल्क इंटरनल क्राइसिस का शिकार हो रहा था, तो उसने सोचा कि मैं थोड़ी रिफॉर्म्स ऑफर करता हूं, ठीक है, जिससे ये जो डोमेस्टिक कॉन्स्ट्रेन आ रहा है, डोमेस्टिक स्ट्रेन आ रहा है, मैं उस रिफॉर्म पैकेज के जरिए डोमेस्टिक स्ट्रेन को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यहां तक सिनेरियो समझ आ गई। उसने सोचा कि मैं रिफॉर्म ऑफर करता हूं, उसकी बुनियाद पर लोग थोड़े ठंडे हो जाएंगे, इंटरनली मैं लोगों का सेंटीमेंट अपनी फेवर में करूंगा। अब नवाल उसने जो रिफॉर्म ऑफर की उसके दो कंपोनेंट थे, एक कंपोनेंट था ग्लास नॉस्ट और एक कंपोनेंट था पेरेस्ट्राइका, एक कंपोनेंट था ग्लास नॉस्ट, एक कंपोनेंट था पेरेस्ट्राइका, ठीक हो गया। ग्लास नॉस्ट को आपने याद रखना है मीडिया से, ग्लास शीशे से, ठीक है राफिया, शीशे का क्या मतलब, ट्रांसपेरेंसी। इसने ठीक है सोवियत यूनियन बनने के बाद पहली दफा सोवियत यूनियन में प्राइवेट मीडिया और प्राइवेट प्रेस को इजाजत दे दी। राफिया इसकी अजम्पशन क्या थी, इसकी अजम्पशन ये थी कि मैं जियो खोलूंगा, ARY खोलूंगा, तो ये लोग मेरी फेवर में लिखेंगे, प्रोपोगंडा करेंगे, अमेरिकन प्राइवेट चैनल्स के प्रोपोगंडा को काउंटर करेंगे, ठीक हो गया। लेकिन मुशरफ ने खोला जियो, मुशरफ ने खोला ARY, और मुशरफ के गिटों में कौन बैठा, ठीक है। तो इसने ये अज्यूम किया कि मैं प्राइवेट चैनल खोलूंगा ग्लासनॉस्ट की पॉलिसी के ऊपर, मैं मीडिया को आजाद करूंगा, तो मीडिया मेरे बारे में कहेगा हजूर का एक बाल बुलंद हो, गॉर्बचेव एक रिफॉर्मिस्ट है, कम्युनिज्म एक अच्छा निजाम है, ठीक हो गया। तो इसने इस अजम्पशन से ग्लासनॉस्ट की पॉलिसी के ऊपर राफिया पुत्र मीडिया को जात किया, मीडिया ने उल्टा काम करना शुरू कर दिया, मीडिया ने फॉर्मली ये लिखना शुरू कर दिया कि भाई अमेरिका आगे निकल गया, हम पीछे रह गया, हम बुलारी पे जा रहे हैं और वो BMW पे जा रहे, ठीक हो गया। तो ग्लासनॉस्ट की पॉलिसी ने डोमेस्टिक रेबल मूवमेंट्स को, डोमेस्टिक मूवमेंट्स को मजीद हवा दे दी, मजीद तकवीत दे दी, और जो कम्युनिस्ट लीडर्स का ठीक है ग्रिप था सोवियत यूनियन के ऊपर वो थोड़ी और कमजोर हो गई। यहां तक मेरे बच्चों को बात क्लियर हो गई, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब इसकी दूसरी पॉलिसी थी मिसबा पुत्र पेरेस्ट्राइका, इसकी दूसरी पॉलिसी क्या थी, पेरेस्ट्राइका। इसने पहली दफा सोवियत यूनियन बनने के बाद कुछ सेक्टर्स में जिसमें डोमिनेंट था कंस्ट्रक्शन सेक्टर, इसने उसमें प्राइवेट बिजनेस की इजाजत दे दी, और इसने मुल्क के अंदर डायरेक्ट इलेक्शंस के जरिए
लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करवाने का ऐलान कर दिया, यानी ये डेमोक्रेसी और कैपिटलिस्ट के नाम लिया है, ठीक हो गया। अब जब इसने पेरेस्ट्रोइका की पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, यानी बिजनेस सिलेक्टिव बिजनेस को अलाउ किया और सिलेक्टिवली डेमोक्रेसी को अलाउ किया, तो मीडिया ने लिखना शुरू कर दिया कि फाइनली सोवियत यूनियन ने मान लिया कि कैपिटलिज्म आगे हम पीछे, और सोवियत लीडरशिप ने डिसाइड कर लिया कि आहिस्ता आहिस्ता हम कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करना शुरू कर देंगे। चुनाचे इसने लोगों को अपीस करने के लिए ग्लासनास्ट और पेरेस्ट्रोइका दिया था, लेकिन ग्लासनास्ट और पेरेस्ट्रोइका इसी के ही गले पड़ गया, और मजबूरी में आके इसने 1985 में अनाउंस कर दिया कि सोवियत यूनियन एक बार फिर दुनिया के साथ मेन स्ट्रीम होने के लिए तैयार है, मीनिंग दैट कि हम लोग अपना पैरेलल सिस्टम चलाने की बजाय कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी का सिस्टम लाने के लिए तैयार हैं। उसने ये जो पॉलिसी दी कि अब हम दुनिया के साथ चलने के लिए तैयार हैं, उसको कहा जाता है न्यू थिंकिंग पॉलिसी, और इसे पॉलिसी ऑफ न्यू थिंकिंग पॉलिसी का डॉक्ट्राइन कहा था डॉक्ट्राइन ऑफ रिप्रोचमेंट, यानी एक बार फिर हम मेन वर्ल्ड को अप्रोच करने जा रहे हैं इन फॉर्म ऑफ, ठीक है, अडॉप्टिंग द कैपिटलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक सिस्टम्स। आपको बेटा बात समझ आ गई। इन शॉर्ट, जैसे ही न्यू थिंकिंग पॉलिसी अनाउंस हुई, डॉक्ट्राइन ऑफ रिप्रोचमेंट अनाउंस हुआ, ठीक हो गया, तो ऑटोमेटिकली सोवियत यूनियन ने एक तरह से कह दिया ना कि भाई कोल्ड वॉर खत्म, हम तुम्हारे निजाम को अडॉप्ट करने के लिए तैयार, ठीक है। जिस रोज गॉर्बचव की फरदोश आशिक आवान ने, ठीक है, पॉलिसी अनाउंस की, रिप्रोचमेंट की डॉक्ट्राइन अनाउंस की, उसने उस रोज बड़ा तारीखी जुमला बोला, टुडे वी आर गोइंग टू डू आर टेरेबल थिंग विद अमेरिका, वी आर गोइंग टू डिप्राइव देम ऑफ एन एनिमी, वी आर गोइंग टू डिप्राइव देम ऑफ एन एनिमी। आज हम अमेरिका पे एक बहुत बड़ा जुल्म करने जा रहे हैं, आज हम अमेरिका को एक दुश्मन से महरूम करने जा रहे हैं। यहां तक कहानी समझ आ गई। देखिए, अब राफिया बेटा, जैसे ही पॉलिसी ऑफ रिप्रोचमेंट का ऐलान हुआ ना, तो लिबरल्स ने तो भंगड़े डालना शुरू कर दिए। उन्होंने आते जाते, पूरी जिंदगी उन्हें रियलिस्ट के मुकाबले में सक्सेस नहीं मिली थी, उन्होंने आते जाते रियलिस्ट को जुकते मारना शुरू कर दिया। अनजानी सुना, कैसा दिया, मजा आया, माहौल बना, किधर गई तुम्हारी सिक्योरिटी। और कुछ लिबरल लीडर्स ने तो यहां तक लिख दिया कि दुनिया में कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी खत्म, कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी डायलेमा खत्म, 21वीं सदी में कोई सिक्योरिटी की डिबेट नहीं होगी, 21वीं सदी में सिर्फ और सिर्फ माहौल होगा, कुपियां होंगी, टुन होगी, यानी सिर्फ लिबरल अप्रोच चलेगी, कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी 21वीं सदी में इनवैलिड हो जाएगा। रफिया बेटा, जब लिबरल्स ने ये क्लेम करना शुरू किया कि कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी खत्म, तो कोई रियलिस्ट लीडर डिफेंड नहीं कर सका। इंटरनेशनल सोसाइटी का एक स्कॉलर उठा, बैरी बुजान उठा, और उसने एक आर्टिकल लिख दिया। उस आर्टिकल का नाम था कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी इन 21st सेंचुरी। पूरा मॉल बन गया कि ये आर्टिकल का बैकग्राउंड क्या है। राफिया, इंटरनेशनल सोसाइटी थ्योरिस्ट मलंगी, 10 दफा बोल चुका हूं। ठीक हो गया। अब मेरे बहनों भाइयों, इसने थीसिस क्या दिया राफिया पुत्र, इसने थीसिस दिया मेरा सोना बच्चा कि भाई 21वीं सदी में कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी खत्म नहीं होगा, बल्कि कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी मल्टीप्लाई हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी खत्म नहीं होगा, बल्कि कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी मल्टीप्लाई कर जाएगा, मजीद ग्रो कर जाएगा, मजीद इनहेंस कर जाएगा।
ठीक हो गया। अब इसने अपने नोशन को एक्सप्लेन करने के लिए शीजा क्या बोला, इसने कहा कि रियलिस्ट ने, शाबाश है साइमा, साइमा सो जा पुत्र, बैरी बुजान की बात कर रहा हूं, निकम्मी, ठीक हो गया। साइमा समझ आइए या नहीं आइए, गॉर्बचेव की तो पॉलिसी थी ना, उस पॉलिसी के बाद लिबरल्स ने कहना शुरू कर दिया कि रियलिस्ट का कॉन्सेप्ट खत्म, राबिया बेटा कैमरा बंद करो, ठीक हो गया। तो जब लिबरल्स ने कहा कि सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट खत्म, ठीक है, तो उसके जवाब में ठीक है, बैरी बुजान ने कहा कि भाई सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ, अभी तो पार्टी शुरू हुई, ठीक है। अब जी 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 ठीक है। अब अरे बहनों भाइयों, बैरी बुजान ने कहा कि भाई रियलिस्ट ने सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट को ठीक से डिफाइन ही नहीं किया था। अब ये कहता है कि रियलिस्ट कहते हैं कि सिक्योरिटी का मतलब है एब्सेंस ऑफ थ्रेट, ठीक है। तो ये कहता है कि मान लिया कि सिक्योरिटी का मतलब है एब्सेंस ऑफ थ्रेट, लेकिन रियलिस्ट ने यह तो कह दिया कि सिक्योरिटी है एब्सेंस ऑफ थ्रेट, लेकिन वो थ्रेट सिर्फ अज्यूम करते रहे कि एक स्टेट को दूसरी स्टेट से सिर्फ अपने बॉर्डर्स पे मिलिट्री अग्रेशन का थ्रेट हो सकता है, लेकिन एक स्टेट को सिर्फ दूसरी स्टेट के से स्टेट लेवल पे बॉर्डर्स के ऊपर सिर्फ मिलिट्री सिक्योरिटी का थ्रेट नहीं हो सकता, बल्कि एक स्टेट को कई तरीके के थ्रेट हो सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे हो सकते हैं, सोसाइटी लेवल पे हो सकते हैं, स्टेट लेवल पे हो सकते हैं, या ग्लोबल लेवल पे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान के लोगों के पास हेल्थ सिक्योरिटी नहीं है, एजुकेशन सिक्योरिटी नहीं है, तो क्या वो पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए खतरा नहीं है? क्या वो पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी चैलेंज नहीं है? क्या पाकिस्तान का कल्चर डिफॉर्म हो रहा है, यहाँ पे एक्सट्रीमिज्म है, यहाँ पे सेक्टेरियनिज्म है, क्या ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट नहीं है? क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स कोलैप्स कर रही है, स्टेट लेवल पे पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स कर रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान के लिए थ्रेट नहीं है? और ग्लोबल लेवल पे क्या 9/11, क्या COVID-19, क्या ग्लोबल वार्मिंग, ये पाकिस्तान के लिए थ्रेट नहीं है? तो राफिया ये कहता है कि रियलिस्ट की डेफिनेशन तो ठीक है कि सिक्योरिटी होती है एब्सेंस ऑफ थ्रेट, लेकिन रियलिस्ट ने इस डेफिनेशन को जिस लेवल पे अप्लाई किया वो लेवल होलिस्टिक नहीं है। एक स्टेट को सिर्फ स्टेट लेवल पे अपने बॉर्डर्स के ऊपर किसी दूसरी स्टेट का सिर्फ मिलिट्री अग्रेशन का थ्रेट नहीं है, बल्कि एक स्टेट को कई तरह के इंडिविजुअल, सोसाइटी, स्टेट और ग्लोबल लेवल के ऊपर थ्रेट हो सकते हैं। यहां तक नवाल बात समझ आ गई? यहां तक बात समझ आ गई? ठीक हो गया। तो ये कहता है कि 21वीं सदी में कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी खत्म नहीं होगा, बल्कि कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी मजीद एक्सपेंड कर जाएगा। रियलिस्ट ने जो अप्रोच इस्तेमाल की वो मिलिट्री सेंटर्ड अप्रोच थी, जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट रियलिस्ट ने दिया वो मिलिट्री सेंटर्ड अप्रोच थी, जबकि जो एक्सपेंडेड कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी होगा उसमें एक स्टेट को कई नॉन मिलिट्री एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स का सामना करना पड़ेगा। चुनाचे उसने कहा कि रियलिस्ट जिस सिक्योरिटी की बात कर रहे थे वो महज ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थी, 21वीं सदी में ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के साथ साथ एक स्टेट को कई नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स का सामना करना पड़ेगा। 21वीं सदी में एक स्टेट को ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के साथ साथ कई नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स का
सामना करना पड़ेगा। तो उसने कहा कि जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था रियलिस्ट का सिक्योरिटी का वो नैरो था, ये 21वीं सदी में मजीद एक्सपेंड कर जाएगा मिलिट्री सेंटर्ड अप्रोच से, ये नॉन मिलिट्री एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स की तरफ चला जाएगा और ये ट्रेडिशनल सिक्योरिटी से नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस की तरफ चला जाएगा। और ये नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस इंडिविजुअल लेवल पे भी होंगे, स्टेट लेवल पे भी होंगे, सोसाइटी लेवल पे भी होंगे, ग्लोबल लेवल पे भी होंगे, एक्सटर्नली भी ये अफेक्ट करेंगे और इंटरनली भी ये अफेक्ट करेंगे। अगर यहां तक कहानी समझ आ गया तो मुझे ओके कॉल दो, ठीक हो गया? ठीक है। अब इस बुनियाद पे राफिया उसने 5 तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स गिनवाए कि 21वीं सदी में ये 5 तरह के सिक्योरिटी चैलेंज होंगे। उसने कहा एक सिक्योरिटी होगी मिलिट्री सिक्योरिटी, एक सिक्योरिटी होगी सोसाइटल सिक्योरिटी, एक सिक्योरिटी होगी इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एक सिक्योरिटी होगी पॉलिटिकल सिक्योरिटी, एक सिक्योरिटी होगी एनवायरमेंटल सिक्योरिटी। अब उसने कहा कि ये जो मिलिट्री सिक्योरिटी है ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी है, जबकि ये जो ब्लैक डब्बे हैं यानी सोसाइटल इकोनॉमिक पॉलिटिकल और एनवायरमेंटल सिक्योरिटी ये नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स होंगे। और ये कहता है कि ये सारे सिमल्टेनियसली अकर करेंगे एंड इनसिक्योरिटी इन वन डोमेन लीड्स टू एन इनसिक्योरिटी इन ऑल डोमेन्स, एंड इनसिक्योरिटी इन वन डोमेन लीड्स टू एन इनसिक्योरिटी इन ऑल डोमेन्स। भाभी बेटा ये थीसे समझ लिया? ठीक हो गया। तो ये कहता है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी रहेगा लेकिन उसके साथ साथ कुछ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पलीफाई कर देता हूं। ठीक है, अज्यूम करो नवाल, अज्यूम कर के पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स्ड है, तो क्या पाकिस्तान अपने डिफेंस पे खर्च कर सकता है? नहीं कर सकता। जब पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है तो यहां पे पॉलिटिकल केओस, इंसर्जेंसीज, धरने, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल रिफ्ट आएंगी, उन्हें हमारा दुश्मन उन फोर लाइंस को यूज करेगा। फिर ऐसा ही है, जब हमारे पास पैसा नहीं है तो क्या हम अपनी एजुकेशन पे, अपने हेल्थ पे, अपनी इन्फ्लेशन पे, अपनी पावर्टी पे, अपने कल्चर पे, अपनी वैल्यूज पे क्या खर्च कर सकते हैं? और जब हमारे पास पैसा नहीं है तो हम क्या चीप क्लीन एनर्जी हासिल कर सकते हैं? क्या डिफॉरेस्टेशन नहीं होगी? क्या टिम्बर माफियाज नहीं बनेंगे? क्या हम डैम्स खड़े कर सकते हैं? क्या हम एनर्जी क्राइसिस? तो ये कहता है एन इनसिक्योरिटी इन वन डोमेन लीड्स टू एन इनसिक्योरिटी इन ऑल डोमेन्स। तो ये कहता है कि 21वीं सदी में कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी खत्म नहीं होगा बल्कि ये मजीद एक्सपेंड कर जाएगा और ये इंडिविजुअल, सोसाइटी, स्टेट, ग्लोबल लेवल के फैक्टर्स इसे शेप करेंगे। ये इंडिविजुअल, सोसाइटी, स्टेट और ग्लोबल लेवल्स के ऊपर हिट करेगा और इसमें सिर्फ मिलिट्री अग्रेशन का कंपोनेंट नहीं होगा बल्कि सोसाइटल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, पॉलिटिकल सिक्योरिटी और एनवायरमेंटल सिक्योरिटी के डोमेन्स भी होंगे। तो इसने कहा कि काका कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी खत्म नहीं हो रहा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। डन, डन हो गया। अब नवाल आज जाके जरा पाक अफेयर का कोर्स खोली, उसके अंदर एक टॉपिक होगा नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स टू द सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान। समझ आ गया? उसमें तुमने हल्का सा बंदूक शंदूक को छोड़ दिया, छेड़ दिया तो तुम्हारे पूरे के पूरे क्वेश्चन पे 0 लगे। ये टॉपिक करते करते तुम्हारा पाक अफेयर का नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स पूरे का पूरा कवर हो गया। आई होप सो मेरे बहनों भाइयों को ये पूरा टॉपिक क्लियर। अगर क्लियर हो गया तो मुझे चौकस कॉल दो ताकि हम लेक्चर को खत्म करें और मैं तुम्हारी मनोज शक्तियों से जान छुड़ाऊं। क्लियर आज के सारे टॉपिक्स? हमने पोस्ट मॉडर्निज्म किया, हमने मार्क्सिज्म किया, हमने न्यू मार्क्सिज्म किया, हमने क्रिटिकल थ्योरी की, हमने बिहेवियरल अप्रोच की, हमने सिस्टम अप्रोच की, हमने इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी किया, हमने कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी इन 21st सेंचुरी किया।
ठीक हो गया, इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं, अल्लाह सोने दे।